लेकिन नहीं भैया चलो बहुत लोग हो गया। एसी चलाओ बेटा। ओके गुड इवनिंग बच्चों, तो आज का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और इसका एक क्विक रिवीजन करना है हम लोग को। देखिए पहला पैराग्राफ है जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आपको डेफिनेशन और कुछ हिस्ट्री दी गई है कि पुरानी हिस्ट्री में हम लोग कैसे कैसे मेडिसिन या डिसीज इनके बारे में जानते थे। तो पहले मैंने आपको WHO की एक डेफिनेशन बहुत पहले पढ़ा दी थी कि हेल्थ की डेफिनेशन में क्या होता है, आगे भी वो डेफिनेशन आएगी नेक्स्ट पेज में तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। पहले बात बोला जाता है हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबींग, और कंप्लीट वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि आपको डिसीज ना हो तो आप हेल्दी हैं, नहीं। कंप्लीट वेलबींग का मतलब है आपके पास कई एस्पेक्ट हैं, जैसे कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए फिजिकल मेंटल, आपका सोशल बिहेवियर ठीक होना चाहिए, आप इमोशनली फिट होना चाहिए एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी फिट होंगी तो आपको हेल्दी माना जाएगा और WHO ने यही डेफिनेशन बताई। और जो WHO ने आज की डेफिनेशन बनाई और पुरानी डेफिनेशन WHO की डेफिनेशन से मिलती जुलती नहीं, तो यार पुरानी डेफिनेशन में क्या है, पुरानी में बेटा ये जो तरीके हैं सबके अपने अपने थे, इंडियन तरीके अलग थे, अंग्रेजी तरीके अलग थे, जर्मन तरीके अलग थे। तो याद रखना देयर आर सम ओल्ड वेज, अगर अंग्रेजों के ओल्ड वेज में थी थ्योरी थी, दैट वाज नोन एज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को देने वाले साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा और इन्हीं साइंटिस्ट के बेसिस पर हम लोगों ने मेडिसिन पढ़ना चालू किया। इनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपको इनकी ओथ लेनी पड़ेगी, हिप्पोक्रेट्स की ओथ लेनी पड़ेगी, और यही वो है जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। इन्हीं की वजह से मेडिसिन चालू हुई। और इनका मानना था कि बॉडी के अंदर कुछ बेटा द्रव्य पाए जाते हैं, ह्यूमर का मतलब होता है द्रव्य, और उनमें से कुछ ह्यूमर गुड होते हैं कुछ होते हैं बैड। इन्हीं में से उन्होंने एक बैड ह्यूमर की बात की थी जिसका नाम रखा था ब्लैक बाई, और बोला था ब्लैक बाई उन लोगों को होता है जिनकी पर्सनैलिटी हॉट होती है। हॉट पर्सनैलिटी इसका मतलब है उन्हें फीवर वीवर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। याद रखना इनकी इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया था विलियम हार्वे ने, क्योंकि विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता लगाया और बेटा इन्होंने टेम्परेचर काउंट किए। तो चाहे कोई बैड बाइल का हो, चाहे कोई गुड बाइल का हो, चाहे ब्लैक बाइल का हो, सबकी बॉडी का टेम्परेचर उन्हें 37 डिग्री मिला और उन्होंने कहा कि भाई हिप्पोक्रेट की बात पूरी तरीके से सही नहीं। खैर पुरानी कहानी थी, लिखी है, क्वेश्चन आ सकता है।
ब्लैक माइल हॉल्ट पर्सनालिटी। अच्छा अब एक दो बातें मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे बेटा इंडिया इंडियन कल्चर में इंडिया में आपके सामने आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में थ्री ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, इट इज नोन एज थ्री ह्यूमर हाइपोथेसिस। जैसे वहाँ गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर थी, इंडिया में बेटा थ्री ह्यूमर हाइपोथेसिस थी। इनको हम लोग आज तक जानते हैं, इनको बोलते हैं वात पित्त एंड कफ। वात पित्त एंड कफ अगर आयुर्वेद में अभी भी चले जाओ तो बोलते हैं वात बढ़ गई, कफ बढ़ गया और पित्त बढ़ गया। तो वात पित्त और कफ तीन ह्यूमर की बेसिस पर हम आदमी की बोलते थे ये तीनों ह्यूमर अगर बैलेंस है तो आप हेल्दी हो, और इन तीनों ह्यूमर में वात पित्त कफ में कुछ भी डिस्टर्ब हो गया तो उस तरीके की डिसीज हो जाएगी। वात डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी डिसीज आती, बात डिसीज आती, कफ डिस्टर्ब हो जाए तो रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, पित्त गड़बड़ हो जाए तो पेट की डिसीज हो जाती है। तो वात पित्त कफ और ये तीन तीन ये ह्यूमर हाइपोथेसिस है। इसी तरह चाइनीज तरीका था, नेचुरोपैथी थी, सिद्धा था, होम्योपैथी थी, बहुत अलग अलग तरीके की पैथीज थी। इनमें से जो हमारे पैथीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी उस पर फोकस करते हैं। हिप्पोक्रेटस की ब्लैक बाइल या गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर हाइपोथेसिस को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। बाद में बोला गया कि एक्चुअली हेल्थ किसके द्वारा रेगुलेटेड है, इट इज बाय द ब्रेन। मैं लाइनें पढ़ रहा हूं, आप देखिए। इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम टू आवर इम्यून सिस्टम। यानी माइंड ने न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से किसको इन्फ्लुएंस किया, इम्यून सिस्टम को। एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेटर है तो हमारी हेल्थ बेटर होगी। तो माइंड से सब कुछ रिलेटेड है। इसलिए कई बार आप सोचने लगते हो आप बीमार हो, बीमार हो तो कई बार आपको लगता है वाकई आप बीमार हो। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। इसके बाद के पैराग्राफ में तीन वजह और बताई गई है कि ब्रेन के अलावा, माइंड के अलावा हेल्थ और किन किन बातों से अफेक्टेड होती है। फिलहाल इस पैराग्राफ में अगर कुछ आपको समझ में ना आया तो याद रखना है, एक तो हिप्पोक्रेट फादर ऑफ मेडिसिन, दूसरा ब्लैक माइल गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, इंडियन कल्चर में थ्री ह्यूमर हाइपोथेसिस, बात के तहत कफ। विलियम आर्यवेद ने हिप्पोक्रेट की इस हाइपोथेसिस को गलत साबित किया था, टेम्परेचर काउंट किया था थर्मामीटर से और बताया था सब में टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री है, और इस वजह से ऐसा नहीं कि कोई हॉट पर्सनैलिटी है कोई कूल पर्सनैलिटी है। इसके बाद के दिनों में हमें पता चला कि ब्रेन है हमारा जो हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, और इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। अब ये हेल्थ किन किन वजहों से डिस्टर्ब हो सकती है, तो तीन मुख्य वजह हैं जिनसे हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, वो ये लिखी गई है, जरा इनको ध्यान से देख लो। पहली वजह है कि हो सकता है कि हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। अगर हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो हमें बर्थ से ही डिसाइडर होगा डिसीज होगी, और बर्थ से होने वाली डिसीज को हम लोग कंजेनाइटल डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी मान लो कोई बचपन से ही डाउन सिंड्रोम से पैदा हुआ है, अब उसका ब्रेन क्या करेगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा इन्फेक्शन, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं। जब तक हम पैदा होते हैं हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन वो सारी वजहों से हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दे सकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल, कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि ओबेसिटी मोटापा, इनका किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये डिसीज होती है हमारी लाइफ स्टाइल से, हम अपना कैसा रहना कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो तीन तरीके से हमारी बॉडी में हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा लाइफ स्टाइल। तो यार हैबिट सही करो तो लाइफ स्टाइल वाली डिसीज खत्म हो जाती है। अगर आप बैक्टीरिया और वायरस और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सको तो इन्फेक्शन ठीक हो सकते हैं, और अगर बचपन में आप सही पैदा हुए ठीक हुए तो आपको जेनेटिक डिसीज नहीं हो सकती, या फिर जेनेटिक कारण का कोई अगर आपके पास ना हो तो डिसीज नहीं हो। तीन तरीके हैं जिससे आपकी डिसीज बदल सकती है। अब देखिए जो टर्म हेल्थ था वो दोबारा डिफाइन किया गया, इट इज यूज फ्रीक्वेंटली, इट इज नॉट मियर द अब्सेंस, इट इज नॉट, इट हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिसीज, नो। It is a physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. आपको हर तरीके से अच्छा होना पड़ेगा। तो बोलते हैं अच्छी हेल्थ के लिए करें क्या, सर क्या करें कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। बहुत कुछ दिया है इस पैराग्राफ में, मैं एक एक करके अंडरलाइन करता हूँ, आप लोग अंडरलाइन करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। पहले तो आप बैलेंस डाइट लीजिए, नंबर वन लिखते जाइए। दूसरा आपको पर्सनल हाइजीन करनी है, आप सफाई साफ सफाई रखिए।
तो आप अगर अच्छी हेल्थ रखना चाहते हैं तो पहले बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा खाना लीजिए, दूसरा पर्सनल हाइजीन करिए, तीसरा रेगुलर एक्सरसाइज करिए। हम में से कितने लोग हैं जो तीसरा काम करते हैं, कभी नहीं करते, सोचते रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। इवन बोला जाता आधे घंटे से एक घंटे की रोज की एक्सरसाइज करनी चाहिए सबको, कौन करता है पता नहीं। बैलेंस डाइट कितने लोगों को मिल रही वो जानो, दाल रोटी से काम चलना, पर्सनल हाइजीन लोग दस दस दिन नहा नहीं रहे, है ना। इस वजह से आपको मालूम है कि ये हेल्थी चीजें नहीं है। ओके, इसके अलावा बोल रहे एक्सरसाइज में योगा बहुत दिनों से प्रैक्टिस किया जा रहा है हमारी इंडिया में, तो योगा के बहुत तरीके हैं। इसके अलावा भी बचने के क्या तरीके हैं, जैसे मान लीजिए आप ये कुछ नहीं कर रहे, अब कोरोना आ गया तो कैसे बचेंगे, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट डिसीज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन करा के रखना चाहिए, अब जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई वो लगवा लें वरना डिसीज हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिसीज से प्रिवेंशन रखना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना, आप खाना खाइए, खाने के बाद जो कूड़ा बचता है गंदगी बचते हैं उनको अपने घर में नहीं फेंकते, गलत जगह पर आप इन्हें ना डालें, एक किसी अच्छे कूड़ेदान में डालें। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ वेक्टर से की मच्छरों से बचने की, दूसरे फ्लाई से बचने के लिए मक्खियों से बचने से उनसे बचिए, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड भी रखिए और वाटर भी रखिए, ऐसा नहीं कि खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे, इसका मतलब है आपने वाटर और फूड में हाइजीन नहीं देखी। ठेले वालों का खाना ज्यादातर समय पर इन्फेक्टेड होता है लेकिन हमें मिलता क्या, ये ठेले वाला खाना। तो मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज में योगा, अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ द फूड एंड वाटर, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ हेल्थ की डेफिनेशन दी गई और यहाँ पर हेल्थ कैसे एक्वायर करें वो दिया गया, और जितने पॉइंट दिए गए उनको आप देखिए। आगे बढ़िए, अगला पैराग्राफ आता है कि बताइए डिसीज कितने प्रकार की हो सकती है। मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ जरा डिसीज को एक बार सही ढंग से पढ़ो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आपकी बॉडी है, ये रही आपकी बॉडी, बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रही है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ध्यान सुनिए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रही है। अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रही है तो आपकी जिंदगी आराम से चल रही है, आराम से मतलब इजी, ईज में है, इट इज नोन एज ईज। अचानक कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुसा, हो सकता है इन्फेक्शन हुआ आपको, और इस इन्फेक्शन की वजह से आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी गड़बड़ा गई, नॉर्मल फिजियोलॉजी गड़बड़ा गई तो आपको पैथोलॉजी हो गई। कोई पूछे व्हाट इज पैथोलॉजी, इट इज एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, फिर से बोल रहा हूं, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी इज नोन एज पैथोलॉजी, और आपको पैथोलॉजी हो गई और आपकी जिंदगी जो ईज से चल रही थी वो बुरी हो गई, बुरा मतलब डिस, नाउ द डिस इज इज डिसीज, इसका मतलब आपकी आराम में खलल पड़ना, इट इज नोन एज डिसीज। और इसकी वजह क्या हो सकती है, इनकी डिसीज की वजह कई हो सकती है, मेनली दो डिसीज, दो तरीके की डिसीज है, एक इन्फेक्शियस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। याद रखना दो प्रकार की मुख्य डिसीज आपको समझने को मिलेगी, वन इज नोन एज इन्फेक्शियस डिसीज, दूसरी कौन सी, नॉन इन्फेक्शियस। याद रखना आज के बाद इन्फेक्शियस डिसीज का नाम एनसीईआरटी में नहीं है तो लिख लीजिएगा कहीं पर, दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज, ये शब्द लिख लीजिएगा, ऐसे डिसीज जो कम्युनिकेट हो सके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बीइंग को हो सके, दीज डिसीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दीज आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो दो प्रकार की डिसीज है, एक है कम्युनिकेबल और एक है नॉन कम्युनिकेबल। जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है दीज ऑल आर इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज। आप वायरस से आपको कोई डिसीज हो रही है कम्युनिकेबल है, बैक्टीरिया से कोई डिसीज हो रही है वो कम्युनिकेबल है, आपको सर प्रोटोजोआ से कोई डिसीज हो रही है इट इज अ कम्युनिकेबल, आपको हेलमेंथीस से कोई डिसीज हो रही है दैट इज अ कम्युनिकेबल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली कोई भी डिसीज कम्युनिकेबल है। याद रखना लाइफ स्टाइल और जेनेटिक डिसऑर्डर दीज आर नॉन कम्युनिकेबल। फिर से ध्यान सुनना, मान लो आपको आपको बीपी है तो बीपी इज नॉन कम्युनिकेबल, ये आपको फैलेगा नहीं। डायबिटीज मेलाइटिस इज नॉन कम्युनिकेबल, किसी को छूने से नहीं हो जाएगी। इसके अलावा कैंसर इज समटाइम कंसीडर्ड इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो याद रखना बीपी, डायबिटीज, मेलाइटिस, कैंसर ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहे। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि सर एड्स क्या है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया व्हाट इज एड्स, तो आप बोलोगे एड्स चूंकि किससे हो रहा है, वायरस से, तो कैसा डिसीज है, कम्युनिकेबल, दैट इज इन्फेक्शियस।
तो दो मुख्यतः तरीके की बीमारियां हैं, इंफेक्शियस और नॉन इंफेक्शियस डिसीज। और हमारे हिस्से में पहले इंफेक्शियस डिसीज आएंगी, बाद में नॉन इंफेक्शियस डिसीज आएंगी। तो अगला टॉपिक है कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में पाई जाने वाली कॉमन डिसीज। और पहले ही हमने बोला था कि कॉमन डिसीज में दो प्रकार की डिसीज है, एक है इंफेक्शियस, दूसरा नॉन इंफेक्शियस। अभी हम लोग यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज कुड कॉज अ डिसीज इन मैन। सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। और इन पैथोजन से होने वाली डिसीजेस के बारे में आपको कहानी दी गई है। अब मैं अगर चाहूं तो ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ू, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ, ध्यान समझना। ये आपकी बॉडी है या फिर कोशिका है, इस कोशिका में क्या चल रहा था आपको याद होगा, मैंने कहा था यार नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही थी। क्या चल रही थी? नॉर्मल फिजियोलॉजी। और नॉर्मल फिजियोलॉजी चलने की वजह से आपकी कोशिका या आपकी बॉडी ईज में थी, दैट इज नोन एज ईज। और आज आपको मैं एक बीमारी पढ़ा रहा हूं जिसमें क्या है, पैथोजन। अब वो क्या करेंगे, पैथोजन सबसे पहले आपकी बॉडी में कुछ काम करेंगे। सबसे पहला काम है पैथोजन आपके बॉडी में इंटरेक्शन करेंगे या फिर इन्फेक्शन करेंगे। स्टेप सुनते जाइएगा और जवाब दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पेनेट्रेशन, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में घुसने की फिराक में, नाक से, आंख से, मुंह से, कटे हुए घाव से, किसी भी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुसना चाह रहा है। जैसे ही बॉडी के अंदर घुसने लगेगा, वो बॉडी के अंदर घुस के आपकी बॉडी में करेगा अडाप्ट। अडाप्टेशन शब्द चाहिए मुझे एक साथ सीक्वेंस में। पहले क्या होगा? इन्फेक्शन। फिर क्या होगा? अडाप्टेशन। अडाप्टेशन करने के बाद वो वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाने लगेंगे, आपकी बॉडी में अपना नंबर बढ़ाने लगेंगे, इट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। और जैसे ही ये मल्टीप्लीकेशन करने लगेंगे, तीनों स्टेप बताओ, इन्फेक्शन, अडाप्टेशन, मल्टीप्लीकेशन। और जैसे ही आपकी बॉडी में मल्टीप्लीकेशन करने लगेंगे, आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने लगेंगे। नॉर्मल फिजियोलॉजी के डिस्टर्ब हुई क्या होने लगेगी? पैथोलॉजी। क्योंकि पैथोजन की वजह से होने वाली फिजियोलॉजी इज नोन एज पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी से होने पर आपकी बॉडी में कुछ साइन पैदा होंगे और उन साइन के साथ साथ कुछ सिम्टम पैदा होंगे। बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज साइन, व्हाट इज सिम्टम। जो आप डॉक्टर को बता सको, दीज आर सिम्टम। और जो डॉक्टर आपकी बॉडी में चेक करे, दैट इज साइन। आपकी आंखें पीली है, डॉक्टर देख रहा है, इट इज साइन। साइन आपके पेट में टेंडरनेस है, दैट इज साइन। लेकिन आप बोल रहे हो साहब दर्द हो रहा, सिम्टम्स। आप बोल रहे हो सर फीवर आया, सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम्स पैदा होंगे। तो इस तरीके से पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है। आपके बोल पैथोजन हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन एनवायरमेंट of the host. For example, pathogen enter the gut must know the way of surviving in stomach in low pH and resisting the various digestive enzymes. A few representative of different group pathogenic organism discuss here along with. हम नहीं जानते कि आगे क्या लिखा हुआ, पर मेरा हर बच्चा ये बताएगा कि डिसीज की पूरी सीक्वेंस क्या होती है। पहले इन्फेक्शन, also known as penetration, बॉडी के अंदर गए अडाप्टेशन, जैसी बॉडी की जगह वैसा अडाप्टेशन। पेट में गए तो एसिड से अडाप्टेशन, इंटेस्टाइन में गए तो बेस से अडाप्टेशन, आग में गए तो सलाइवा से अडाप्टेशन, माउथ में गए तो सॉरी आग में गए तो टीयर से अडाप्टेशन, माउथ में गए तो सलाइवा से अडाप्टेशन। अब अडाप्टेशन करने के बाद आपने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करके क्या कर दिया? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिस्टर्ब हुई तो क्या बने? साइन एंड सिम्टम। और यही साइन एंड सिम्टम जब आने लगे तो आपको क्या हो गया? ईज की डिसीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया। तो कॉमन ह्यूमन डिसीज में उन्होंने कुछ नाम दिए। देखो मैं चाहूं तो पढ़ा दूं, एमए कुछ भी पढ़ा दूं, देयर आर सम डिसीज व्हिच आर बैक्टीरियल। उन्होंने ग्रुप बनाए, पहले उन्होंने सारी बैक्टीरियल डिसीज पढ़ाई है, बैक्टीरिया से होने वाली जितनी डिसीज है वो पढ़ा दी है। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ वायरल डिसीज पढ़ाई है, वायरल डिसीज के बाद उन्होंने कुछ फंगल डिसीज पढ़ाई है, फंगल डिसीज के बाद फिर उन्होंने पढ़ाई है हेलमिंथिक डिसीज। हेलमिंथिक डिसीज का मतलब है प्लेटी हेलमिंथीज एंड एस्के हेलमिंथीज।
हेलमेंथीज की डिजीज पढ़ाई है। तो इस तरीके से एक एक करके उन्होंने डिसीज पढ़ाई है और मैं उन एक एक डिसीज को उठाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन से डिसीज पढ़ाएंगे? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल डिसीज में होने वाली सबसे पहली डिसीज इन्होंने पढ़ाई है टाइफाइड। तो जब भी कभी कोई डिसीज आपको पढ़ाई जाए, अब रट्टा मारना चालू कर दो। नहीं, सब चार बातें आपको मैंने पहले भी पढ़ाते वक्त सिखाई थी, जब मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ा रहा था तभी बताई थी और रिवाइज कराते वक्त भी बता रहा हूँ। आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला तो कॉजल ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये बीमारी कर रहा, उसका नाम क्या? ओके। दूसरा रूट ऑफ इंफेक्शन, वो ऑर्गेनिज्म किस रूट से अंदर जा रहा, खाने से जा रहा, पानी से जा रहा कि ब्लड से अंदर जा रहा, रूट ऑफ इंफेक्शन। इसके बाद पैथोजेनेसिस, वो आपकी बॉडी में जाकर के कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर रहा, लीवर बर्बाद कर रहा, किडनी बर्बाद कर रहा, स्टमक बर्बाद कर रहा। फिर इसके बाद साइन एंड सिम्टम, याद रखना साइन एंड सिम्टम, और अगर ये भी मिल जाए उसके बाद डायग्नोसिस, उस बीमारी का पता कैसे लगाएं और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट। तो वैसे तो मैंने और भी चीजें लिखवाई थी लेकिन अभी आप इतना दिमाग लगाओगे तो कभी घबराओगे नहीं। अब कई बार बच्चे लगते हैं इतना बड़ा रट्टा कैसे मारे, खुद सोचो ना, कोई बीमारी किसी ऑर्गेनिज्म से हो रही है उस कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम, वो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में कैसे गया, रूट ऑफ इन्फेक्शन, कैसे घुसा, घाव से घुसा, नाक से घुसा, मुंह से घुसा, कैसे घुसा, रूट ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजेनेसिस, अंदर जाके उसने क्या गड़बड़ किया। चौथा, उस गड़बड़ी की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम है और उसको पता लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है, डायग्नोसिस, और फिर उसे ठीक करने का आपके पास क्या तरीका, दैट इज ट्रीटमेंट। चलो मेरे साथ बोलो, पहला कॉजल ऑर्गेनिज्म, दूसरा रूट ऑफ इन्फेक्शन, तीसरा पैथोजेनेसिस, चौथा साइन एंड सिम्टम, पांचवा डायग्नोसिस, छठा ट्रीटमेंट। अगर आपको इतना आता है तो आप किसी भी बीमारी को डॉक्टरों की तरह भी देख सकते हो, जैसे डॉक्टर लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हो। आइए आज हम आपके सामने टाइफाइड पढ़ने जा रहे हैं। अब आप रट्टा मत मारिएगा जैसे एनसीईआरटी लिखी है, बताइए टाइफाइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी, पहला पॉइंट कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया साल्मोनेला टाइफी, दूसरा रूट ऑफ इन्फेक्शन, वहां कुछ भी लिखा हो अपने मन में लिख लो रूट ऑफ इन्फेक्शन। सर इन्फेक्शन कैसे होता है, याद रखना ये फीको ओरल, फीको ओरल यानी कि कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा आपकी बॉडी में जाता है, वाटर और फूड के द्वारा, गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जाता है। और याद रखना इट इज अ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, फिर से सुनना, कैसा बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइनल, ये कहां ग्रो करेगा, इंटेस्टाइन में, और इसीलिए इसके ज्यादातर गड़बड़ियां कहां पर होंगी, पेट में। पर चूंकि पेट में होने के बावजूद भी ये आपकी बॉडी में सिस्टमिक इंफेक्शन डालेगा, ब्लड में घुस जाएगा, और ब्लड में घुस जाने की वजह से इसका जो साइन एंड सिम्टम आएगा वो आएगा फीवर, क्या आएगा, फीवर एंड चिल्स, चिल्स मतलब ठंडा। अभी देखो ये सब आ लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये हो गया कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये हो गया रूट इंफेक्शन, ये क्या हो गई पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में वो कहां गया, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाकर उनको इंफेक्शन किया। इसके अलावा क्या किया, साइन एंड सिम्टम्स, फीवर एंड चिल्स। अगर मैं कहूं आगे चल के इनमें पेट दर्द होगा, होगा, इंटेस्टाइन फट सकती है, होगा, और मौत आ सकती है, यस। देखिए ये सब लिखा है कि नहीं लिखा, अभी देखते जाओ लिखा होगा। तो बोलते हैं कि भाई टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, फीवर है ये ह्यूमन बीइंग में, दीज पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, मिल गया थ्रू फूड एंड वाटर, contaminated with them migrate to other organ through blood. ये और कहाँ जाता है? Blood. Intestine से कहाँ गया? Blood. Sustained fever लगभग 39 से 40 डिग्री तक आपका फीवर आता है। इसके अलावा weakness है और क्या है? Stomach pain. क्यों? क्योंकि intestine का bacteria है। इसके अलावा constipation. याद रखना पेट साफ नहीं होता सही ढंग से। इसके अलावा headache. इसके अलावा loss of appetite. The common symptom of this disease, intestinal perforation, आगे चल के हाथ फट तक सकती है, इतना खतरनाक बैक्टीरिया कि अगर सही नहीं हुआ तो हाथ फट जाती है और डेथ भी हो सकती है in severe cases. अब बोलो सर आपने इतना पढ़ा दिया समझ में नहीं है, अब इसी चीजों को हमारी तरह सोचो, मैं पूछता जाऊं तो बता देना, और बीमारी का नाम टाइफाइड, कॉजल ऑर्गेनिज्म, साल्मोनेला टाइफी, वेट बॉडी के अंदर घुसने का तरीका, फीको ओरल,
कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन। पैथोजेनेसिस कहाँ होगी? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को गड़बड़ करेगा, इंटेस्टाइन में पेट करेगा। इसके अलावा ब्लड में भी जाएगा। यस। साइन एंड सिम्टम फीवर, चिल्स, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, जो पेट से रिलेटेड रोग है कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा हेडेक होगा, और कभी कभी सीवियर केसेस में क्या होगा? रप्चर एंड खत्म हो गई। और क्या चाहिए? आगे चलिए, इससे जुड़ी हुई एक कहानी है, और वो है बेटा कि हम लोग इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। याद रखना, डायग्नोसिस मतलब इसे पता कैसे लगाएं। पता लगाने के लिए हमारे पास टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट नाम का एक टेस्ट है जिससे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। याद रखना, एक लेडी का नाम टाइफाइड मैरी, एक्चुअली वो मैरी नाम की एक लेडी थी और वो पेशे से कुक थी, रसोईया थी, और उसको टाइफाइड का बैक्टीरिया पेट में पड़ा था, और वो कैरियर थी डिसीज की, यानी उसे डिसीज बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन बैक्टीरिया उसके पेट में थी, और वो खाना बनाते वक्त हाथ वहां धुलती नहीं थी, साफ सफाई रखती नहीं थी। तो वो करती क्या थी कि अपने फीको ओरल रूट से, यानी क्योंकि पॉटी के साथ ही बैक्टीरिया बाहर आता है, हाथ धुलती नहीं थी तो खाने के साथ ही बैक्टीरिया सबको परोसती रहती थी। तो उसके यहाँ पर जितने लोग भी खाना खाते थे उन सबको डायबिटीज होता था। तो लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? टाइफाइड मैरी। अब बोलते हैं इसका सर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक के नाम अगर तुम्हें पूछने हैं तो जाओ डॉक्टर बनो। वैसे बताने के लिए तो मैं जाने कितने डॉक्टर नाम बता सकता हूँ, लेकिन उससे पता चलेगा कि सर अपनी डॉक्टरी झाड़ रहे, सो मैं नहीं बताऊंगा। बस इतना याद रखो ट्रीटमेंट में क्या आएगा? एंटीबायोटिक। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है। तो एक बीमारी तो चली गई, कौन थी? टाइफाइड। दूसरी है बेटा निमोनिया। आइए, तो दूसरी बीमारी है बेटा निमोनिया। ओके, निमोनिया क्या है इसे समझने की कोशिश करिए। लंग्स को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। लंग्स में दो प्रकार के टिश्यू हैं, एक स्ट्रोमल टिश्यू और दूसरे पैरेन्काइमल लंग्स के, ये कंडक्टिंग टिश्यू। अब यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यूज है जिनमें आप लोगों ने पढ़े होंगे ब्रोंकाई, एल्वियोलाई और पैरेन्काइमा, ये सब सारी चीजें प्रेजेंट है। अब अगर इन टिश्यूज में इंफेक्शन से पानी भर जाए, माइंड इट, तो बताइए एल्वियोलाई जैसे जगह पे पानी भर जाए तो बताओ गैस एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। हो गए तो पानी क्यों भर गया सर? लंग्स में पानी भरना दो तरीके से होता है, एक तो लंग के बाहर प्लूरा में और एक लंग के अंदर, दैट इज नोन एज निमोनिया। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस क्या कर रहा था? निमोनिया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही थी? क्योंकि क्या हो रहा था? निमोनिया। वहां पर भाई लंग्स में पानी भर जा रहा था, लंग्स में इंफेक्शन बढ़ते जा रहे थे, पैचेस बनते जा रहे थे। तो बोलते थे ये बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो बताओ कॉजल ऑर्गेनिज्म तो मिल गए। नाउ द रूट ऑफ इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट। क्या बोलेंगे? बताओ कैसे फैलता है कोरोना? ड्रॉपलेट। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपके ड्रॉपलेट दूसरे तक ना पहुंचे, आप क्या पहने? मास्क। या किसी के ड्रॉपलेट आप तक ना पहुंचे, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। देखिए इसके बाद जो इन्फेक्शन लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स की एल्वियोलाई में पहुंच जाता है बैक्टीरिया, और वहां पर इन्फेक्शन करके वहां पर फ्लूइड भर देता है, एयर फ्लूइड सैक्स में फ्लूइड भर जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। और इनके सिम्टम क्या है नोट करिएगा? सिम्टम निमोनिया के सिम्टम में है फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। जो जो बेटा आपको कोरोना में हो सकता था वो सब बीमारी उसमें हो रही है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आपके ओंठ और उंगलियां नीली पड़ सकती हैं। क्यों ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बताओ? क्योंकि लंग्स में क्या नहीं हो पा रही है? रेस्पिरेशन। दिस इज इन्फेक्शन इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एंड एरोसॉल। मैंने पहले बोला था ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एंड एयर से भी जाता है पर्सन टू पर्सन बाय शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल। कई बार आप हैप्पी फ्रेंडशिप के चक्कर में एक ही कोल्ड ड्रिंक से मुंह लगा लगा कर चार लोग पीते हो, किसी एक बंदे को बीमारी है फिर वो चारों को फैलती है। तो बच के रहिए, कोई भी चीज शेयर करके मत पीजिए, आजकल तो बिल्कुल नहीं। याद रखना ये बीमारी थी निमोनिया। निमोनिया के अलावा और कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज हो सकती? कौन? डिसेंट्री। ये सिगेला नाम के बैक्टीरिया से होती है, सिगेला। डिसेंट्री आपको मैंने प्रोटोजोआ से भी पढ़ाई थी, नाम बताओ? एंटामीबा सिस्टोलिटिका। लेकिन यहाँ पर हमें बैक्टीरियल डिसीज बतानी है, तो ये डिसेंट्री सिगेला डिसेंट्री है। यहाँ पर एंटामीबा सिस्टोलिटिका नहीं लगाएंगे क्योंकि वो क्या होगा? प्रोटोजोआ। ये प्लेग हो गया यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। और इसके अलावा डिफ्थीरिया, कॉरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरिया।
तो आपकी बुक में बहुत सारी डिसीज हैं, लेकिन दो डिसीज केवल डिटेल में दी गई, एक टाइफाइड की और दूसरी निमोनिया की फॉर बैक्टीरिया। किसके लिए? बैक्टीरिया। इसके बाद बैक्टीरियल डिसीज नहीं होगी, इसके बाद होगी वायरल, उसके बाद फंजाई। तो देखते जाओ, अगर रटने से बचना चाहते हो तो काउंट करते जाओ हाथ में, बैक्टीरिया की कितनी डिसीज पड़ी, दो, दो। एक कौन? टाइफाइड। दूसरा कौन? निमोनिया। फिर तीन बीमारियों के नाम पढ़े, बोलो कौन? डिसेंट्री। और इस डिसेंट्री को प्लीज आप अमीबिक डिसेंट्री ना बोले, इट इज बैक्टीरियल डिसेंट्री बाय शिगेला एंड प्लेग बाय यर्सिनिया पेस्टिस एंड डिफ्थीरिया बाय कॉरियन बैक्टीरियम। ओके, आगे बढ़ जाइए, जब इतना पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने कुछ वायरल डिसीजेस दी गए हैं, ये इतनी कॉमन है कि आज आधे से ज्यादा लोग इसकी डॉक्टरी खुद कर लेते हैं। कहते हैं सर हमें वायरल फीवर हो गया है, लोग कहते हैं सर जुखाम वायरल, सर कफ हो गई है, फिर बोलते हैं सर वायरल कोल्ड हो गई है। याद रखना ये इतना कॉमन है कि हम लोग कई बार इलाज कराने नहीं जाते, अरे वायरल है यार कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। यस, तो दिस इज नोन एज कॉमन कोल्ड, and this common cold is caused by rhinovirus. Rhino का मतलब होता है नाक, नाक, rhinoceros, गैंडा, गैंडे की नाक में सींग होता है, that's why rhinoceros. Rhino का शब्द ही होता है नाक. Rhinovirus are the viruses which cause the common cold. याद रखना, this is the most infectious, इससे ज़्यादा infectious disease कहीं नहीं पाई गई. Most infectious human ailment, दो तीन बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस दुनिया में सबसे इंफेक्शियस डिसीज कौन सी है? कॉमन कोल्ड। क्योंकि बेटा आज मुझे जुखाम है, चार लोग मेरे साथ बात कर लें, कल सबको हो जाता है, आपको मालूम है इतना ज्यादा इंफेक्शियस डिसीज है। और बोलते हैं कि इस डिसीज का इंफेक्शन कैसे होता होगा, बोलो कैसे? ड्रॉपलेट, जैसे निमोनिया का था वैसे ड्रॉपलेट इंफेक्शन इसका भी है। और कहां जाता है? अपर रेस्पिरेटरी। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कई बार बच्चे बोलते हैं सर अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी में अंतर बता दीजिए। ध्यान से देखो, जो लैरिंग्स है ये अपर रेस्पिरेटरी है, ट्रेकिया है ये अपर रेस्पिरेटरी है, ब्रोंकाई है ये अपर रेस्पिरेटरी है, इसके अलावा कई बार सेकेंडरी ब्रोंकाई भी अपर रेस्पिरेटरी तक माने, लंग्स के अंदर घुस गए इसके बाद वो हो गया लोअर रेस्पिरेटरी। तो निमोनिया कैसा डिसीज था? लोअर रेस्पिरेटरी। और कॉमन कोल्ड कैसा है? अपर रेस्पिरेटरी। और कोरोना कितना खतरनाक था, शुरू कहां से करता है? अपर रेस्पिरेटरी से, घुसता कहां है? लोअर। इस वजह से खतरनाक वायरस था। तो यहां रखना अपर रेस्पिरेटरी डिसीज है, और यही बात बुक लिखती है कि द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, नेजल डिस्चार्ज, नाक बहना, सोर थ्रोट, गले में खराश होना, हॉर्सनेस, आवाज में भरभराहट होना, खांसी, हेडेक, टायर्डनेस व्हिच इज यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, और 3 to 7 दिन बाद ये अचानक अपने आप सही हो जाता है। एंड ड्रॉपलेट कैसे कैसे फैल सकती हैं, देखो कैसे फैल सकती हैं, सर से बात करते वक्त, ऑब्जेक्ट को हाथ में लेते वक्त, किसी का पेन ले लिया, किसी की किताब ले ली, किसी का कप ले लिया, किसी के डोर नॉब को छू लिया, किसी के कंप्यूटर कीबोर्ड को छू लिया, किसी का माउस छू लिया, आप किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को छू लीजिए, आपको उससे बीमारी हो जाएगी। एंड दोज डिसीज आर ऑल्सो नोन एज फोमाइट बॉर्न डिसीज, ड्रॉपलेट के अलावा फोमाइट बॉर्न भी बोलते हैं। आप किसी के सामान को छू लो, किसी के यूटेंसिल को छू लो, किसी के बर्तन को छू लो, आपको डिसीज हो जाए, तो इट इज नोन एज फोमाइट बॉर्न। और ड्रॉपलेट बॉर्न यानी एयर में एरोसॉल, तो दो तरीके से बीमारी हो सकती है, किसी का सामान छू लो या किसी से बात करते वक्त ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो जाए, इस तरीके से कॉमन कोल्ड भी आपको हो जाता है। कॉमन कोल्ड की जनरली कोई ड्रग नहीं होती, और इसे ठीक करना अपने आप ठीक हो जाता है, कितने दिन से? 3 to 7। तो 3 to 7 दिन के अंदर ये बीमारी अपने आप सही हो जाती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए लोग कहते हैं कि वायरल में एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ जा, वायरल डिसीज के बाद आपके सामने प्रोटोजोआ की डिसीज आई, तो काउंट करते जाओ, बैक्टीरिया की कितनी पड़ी? 2। वायरस कितनी पड़ी? 1। बताइए आगे एड्स है वो बाद में देखेंगे, अभी कौन सी, इसके बाद किसका आया? मलेरिया। एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, मैं डिटेल में पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं रिवाइज कराने आया हूं, उससे ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ का मेंबर है, मैंने 4 protozoa पढ़ाए थे आपको, एक पढ़ाया था अमीबॉइड, दूसरा पढ़ाया था फ्लैजेलेट, तीसरा सीलिएट, चौथा स्पोरोजोआ। और मैंने बोला था स्पोरोजोआ के सारे मेंबर कैसे होते हैं, इट इज पैरासाइट,
और प्लाज्मोडियम उनमें से एक है। तीन प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जिसमें सबसे ड्रेडफुल डिजीज इसी के द्वारा होता है। ड्रेडफुल डिजीज है और कई बार हम ऐसी डिजीज, ऐसी मलेरिया को मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, ऐसी मलेरिया जिसे हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, और सबसे ज्यादा डेथ इसी वाले मलेरिया से होती है। There is known as Plasmodium falciparum is the most serious disease and which is even more fatal. दुनिया में सबसे खतरनाक मलेरिया अगर किसी से हो रही है तो वो कौन सी है? Plasmodium falciparum। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। Even this disease is known as black water fever। इतना ज्यादा RBC rupture होती है कि यूरिन का कलर तक बदल जाता है। ये इतनी dreadful disease है कि इसमें डेथ बहुत ज्यादा होती है। तो मलेरिया के तीन, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इवन एक और मेंबर होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम ओवेल। आपकी बुक में नहीं दिया गया तो आप चाहो तो लिख लो। चार मेन स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जिसमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अच्छा, इसके बाद इन डिसीज के होने का तरीका सिखाया गया, मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ। अदरवाइज मुझे पैराग्राफ पूरा पढ़ाना पड़ेगा। मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ाने से बचने के लिए मैं ये पूरी साइकिल आपको समझा देता हूँ। आइए वहां से शुरू करते हैं जहां से मलेरिया आपको होने की संभावना है। आप एक रात चुपचाप लेटे थे अपनी छत पे और आपको एक मच्छर ने काटा, मॉस्किटो। तो पहले तो आप मॉस्किटो का नाम याद कर ले, इट इज फीमेल एनोफिलीज। तो फीमेल एनोफिलीज नाम की जो मच्छर होगी वो मच्छर आपको काटेगी। जैसे फीमेल एनोफिलीज आपको काटेगा, सब लोग यहां से ध्यान देंगे, आपकी बॉडी में वो ब्लड में छोड़ेगा कुछ सब्सटेंस और इन में से होगा स्पोरोजॉइट नाम का एक स्ट्रक्चर, और स्पोरोजॉइट नाम का एक स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मोडियम का ही स्ट्रक्चर है, प्लाज्मोडियम के अंडे जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसा अंडा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, प्लाज्मोडियम का एक डिवाइडेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? स्पोरोजॉइट। कभी भूल जाना तो बोलना स्पोर लाइक क्रिएचर। क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग जू स्पोर और एक्वानोस्पोर पढ़ते हैं, वैसे स्पोर लाइक ज़ॉइड, ज़ॉइड मतलब एनिमल, स्पोरोज़ॉइड स्ट्रक्चर है। ये स्पोरोज़ॉइड नाम का स्ट्रक्चर जो था वो कहां छोड़ा गया? ब्लड में। कहां पर छोड़ा गया? तो ब्लड से गायब हो जाता है पहले आधे घंटे में, फर्स्ट हाफ आवर में स्पोरोजॉइट पूरा का पूरा स्पोरोजॉइट गायब होकर लीवर में पहुंच जाता है, और लीवर में जाकर के ये स्पोरोजॉइट छुप जाता है। कितने घंटे में? आधे घंटे में। मच्छर के काटते ही आधे घंटे के अंदर वो ब्लड से निकल के कहां चला गया? लीवर। और लीवर में छुप जाता है, इसलिए इसका नाम है क्रिप्टोजॉइट। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, क्रिप्टोजॉइट। और क्रिप्टोजॉइट वहां पर डिवाइड करने लगता है। जब डिवाइड करने लगता है तो बनाता है क्रिप्टोमीरोजॉइट, क्रिप्टोमीरोजॉइट। याद रखना, ये क्रिप्टोमीरोजॉइट जाते हैं आरबीसी में, आरबीसी में, यानी कि लीवर की साइकिल के बाद, लीवर में डिवाइड होने के बाद ये पहुंचते हैं आरबीसी में। आरबीसी के अलावा ये लीवर में भी इंट्रोड्यूस करते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट, दे अगेन इंटर टू द लीवर, और लीवर में इंटर करने के बाद इनका नाम हो जाता है मेटा क्रिप्टोजॉइट। मेटा मतलब बाद में, किसके बाद में? लीवर में, फिर से लीवर में, अगेन लीवर में, इट इज नोन एज मेटा क्रिप्टोजॉइट। एंड मेटा क्रिप्टोजॉइट फिर से डिवाइड करते हैं और दो प्रकार के पार्ट बनाते हैं, एक बड़े, दैट इज नोन एज मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट। अब आप लोग मरोगे, मुझे तो मालूम है कि बिल्कुल मरोगे, ये सब चीजें पढ़ानी नहीं चाहिए, पर क्या करें, आप लोग पढ़ने के आदी हो चुके हो। जब भी नीरो शब्द लग जाए, इसका मतलब डिवीजन के बाद का स्ट्रक्चर है, क्या लग जाए? नीरो। देखो यहां क्या लिखा है, क्रिप्टो मीरोजॉइट, पहले क्या नाम था? डिवाइड किया तो क्रिप्टो मीरोजॉइट कहां गया? क्रिप्टो मीरोजॉइट में कुछ क्रिप्टोजॉइट मीरोजॉइट कहां गए? तो उनका नाम हो गया मेटा क्रिप्टोजॉइट। नीरो शब्द हट गया, मीजो शब्द हट गया, अंदर गया तो क्रिप्टा मेटा क्रिप्टोजॉइट, फिर डिवाइड किए मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट, और उनमें बड़े वाले मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट, और छोटे वाले माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट। मैं तो आपसे कहूंगा प्लीज आप इन्हें मत पढ़िएगा, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने पढ़ाया इसलिए पढ़ा रहा हूँ।
याद रखना, अब दो तरीके के लोग आरबीसी में गए, कौन कौन? माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड और क्रिप्टोमीरोजॉइड। याद रखना, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड फिर से कहां गए? लीवर। क्या नाम हो गया? मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड। फिर डिवाइड हुए मैक्रो और माइक्रो। छोटे वाले कहां आते गए? आरबीसी। कहां गए? और कौन आ गए? क्रिप्टो। अब ये आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी के अंदर रह करके डिवाइड होने लगे और तीन स्टेज बनाए। सास। बोलो क्या? सास। पहली स्टेज सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में आरबीसी के अंदर रिंग लाइक फॉर्मेशन बनाकर रहने लगे, सिग्नेट रिंग स्टेज। दूसरा अमीबॉइड स्टेज, अमीबॉइड स्टेज। और तीसरा साइजॉन्ट स्टेज। और साइजॉन्ट स्टेज वो स्टेज है जिसमें ये आरबीसी के अंदर खूब ज्यादा नंबर में साइजोगोनी करने लगे और साइजोगोनी करने के लिए आरबीसी को रप्चर करने लगे। तो बताओ क्या फटने लगी? आरबीसी। और फटी हुई आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकला और हीमोग्लोबिन हीमोजॉइन में चेंज होने लगा। किसमें? और हीमोजॉइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। कैसा? और इसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से क्या आने लगा? फीवर। और ये साइकिल हर तीन से चार दिन बाद रिपीट होने लगी। कितने दिनों में? तो हर तीन से चार दिन बाद आरबीसी रप्चर होती है। हर तीन से चार दिन बाद आरबीसी रप्चर होकर के क्या आने लगा? फीवर। तो आपको फीवर रोज आने लगा कि हर तीन चार दिन? और इस हर तीन चार दिन में आने वाले फीवर का नाम क्या है? तीन स्टेज बोलो कौन? सास, सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, साइजॉइड। सास से हो गया आस। हमारे टीचर ने हमें ऐसे ही पढ़ाया। उसका मतलब है सिग्नेट रिंग अमीबॉइड के बाद साइजॉइड स्टेज खत्म हुई और साइजॉइड स्टेज खत्म होने के बाद एक नई स्टेज बनी, नाम है गैमेटोसाइट। फिर से बोलो। और इस समय जिस समय मच्छर आपको काट रहा था तो वो छोड़ रहा था स्पोरोजॉइट, ले क्या रहा था? गैमेटोसाइट। बोलो क्या नाम? गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट नाम की स्टेज आपके मच्छर के अंदर गई और उसी गैमेटोसाइट से बने गैमेट, मेल गैमेट और किसके? मच्छर के। प्लाज्मोडियम में से प्लाज्मोडियम। और क्या बना? जायगोट। जायगोट से बना बेटा ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम के ऑर्गेनिज्म गए सलाइवा में और सलाइवा में एक डिवीजन हुआ, उस डिवीजन का नाम है साइजोगोनी। बोलो क्या बना? और बहुत सारे साइजोगोनी से बने, याद रखना स्पोरोगोनी, आई एम सॉरी इट इज नोन एज स्पोरोगोनी। और बहुत सारे स्पोरोगोनी से क्या बने? स्पोरोजॉइट। और ये स्पोरोजॉइट फिर कहां से आ गए? यस, कहां छोड़े गए? मच्छर के द्वारा कहां छोड़े गए? ब्लड में। और फिर कहां गए? लाइक दिस। और इस तरीके से आपकी बॉडी में साइकिल चलने लगे। तो बताओ मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? गैमेटोसाइट। और ह्यूमन के लिए हो जाए। और कितने दिनों में बार बार फीवर होने लगा? तो शुरुआत में कहां गया? लीवर में। बाद में कहां गया? आरबीसी। आरबीसी से रप्चर हुआ तो कौन से ग्रेन्यूल बने? हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल नॉर्मल है कि टॉक्सिक? और ये बार बार कितने दिनों में बनने लगे? तीन से चार। तो फीवर भी कितने दिनों में आने लगे? ये बात अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लिखी होगी कि हीमोजॉइन ग्रेन्यूल और मच्छर काटने से आपको बीमारी हो रही है। तो ये रहा वो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। और वो पूरी साइकिल मैंने पढ़ा दी। और बताइए किसके रप्चर होने की वजह से फीवर हो रहा है? आरबीसी। और आरबीसी में कौन सी चीज प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन अपना रप्चर होकर क्या बना रहा है? हीमोजॉइन। और इस तरीके से आपकी साइकिल होने लगी। तो ये थी प्रोटोजोआ की एक डिसीज। अब काउंट करो बैक्टीरिया से कितनी थी? दो। वायरस से? एक। प्रोटोजोआ से? दो। पहला कौन? मलेरिया। दूसरा अमीबिक डिसेंट्री। क्या डिसेंट्री दो प्रकार की पड़ी थी? यस। एक कौन? बैक्टीरिया। और ये कौन सी? अमीबिक। अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉल्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। बस इतना याद रखो एंटमीबा हिस्टोलिटिका अपने नाम से ही बताता है कि मैं हिस्टो, हिस्टो मतलब टिश्यू, और लिटिका मतलब लिसिस, टिश्यू की लिसिस करता हूं। और अगर टिश्यू की लिसिस हुई और वो भी बड़ी आंत में, ये रही बड़ी आंत, और बड़ी आंत में टिश्यू रप्चर होने लगे, तो बताओ टिश्यू रप्चर होने लगे तो ये तुम्हारा प्रोटोजोआ म्यूकोसा को रप्चर करने लगा। तो पहले तो खूब सारा म्यूकस बनने लगेगा। म्यूकस क्यों बनने लगेगा? क्योंकि म्यूकोसा को पेनेट्रेट करेगा ये प्रोटोजोआ और फिर आगे की ब्लड वेसल से ब्लड आने लगेगा। तो इस तरीके से ब्लड और म्यूकस पास होगा फीकल मैटर के साथ। तो फीकल मैटर के साथ अगर ब्लड और म्यूकस पास होने लगे तो आप समझ जाओ क्या हो रही है? डिसेंट्री।
और ये डिसेंट्री किससे हो रही है? अमीबा से. अमीबा का नाम एंट अमीबा है. डिसीज इंक्लूड क्या क्या सिम्टम होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट. और इस बीमारी को कॉज करने वाला कौन? हाउस फ्लाई. क्योंकि हाउस फ्लाई बेटा गंदी जगहों पे बैठ करके आपके खाने में बैठते हैं. तो जब आपकी हाउस फ्लाई गंदी जगह किसी पीकर मेटल में बैठ करके आपके खाने में बैठने बैठी है, तो आप प्लीज वो खाना ना खाएं. आप अक्सर क्या करते हैं? मच्छर की फेंक देते हैं, फिर खा लेते हैं. आपको किस क्या होने की चांसेस है? ओके, थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ जाइए. इसके बाद हेलमेंथिक डिसीज आ गई. हेलमेंथिक डिसीज, चलो पहले काउंट करो. बैक्टीरिया कितनी? दो. वायरस कितनी? एक. प्रोटोजोआ की? दो. दो. अब आ गई हेलमेंथिक. हेलमेंथिक में आपके सामने एक डिसीज है एस्कैरिस की और एक है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई की. एस्कैरिस की जो डिसीज है, ये से हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म. राउंड वर्म नाम का ये कीड़ा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के पास रहता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के पास रहता है. और ये उस जगह पर बेटा रह करके पूरी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकता है. तो दो डिसीज है, एक एस्कैरिस और वुचरेरिया. तो पहले तो वुचरेरिया फाइलेरियल वर्म है. इसके अलावा सम ऑफ द हेलमिंथिस व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन. एस्कैरिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, पेट का कीड़ा है. सिम्टम ऑफ दिस डिसीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग. प्लीज नोट इट डाउन. जब आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे तो आपके ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग होगी पेट में, मस्कुलर पेन होगा, कभी कभी फीवर होगा, ब्लड की कमी मतलब अनिमिया होगी, और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज भी होगा, पैसेज भी ब्लॉक हो सकता है. एंड द एग ऑफ द पैरासाइट एक्सीडेड अलॉन्ग विद द फीसेस. यानी अब आपके पेट में कीड़ा है तो उस कीड़े के अंडे भी आपके फीकल मैटर के साथ गिर रहे. तो अगर ये फीकल मैटर कहीं पर अच्छी जगह पर डाल दिया गया या फिर ऐसी जगह पर डाल दिया गया जहां पानी इन्फेक्ट हो रहा, तो आप बताओ आपके पानी में एस्कैरिस के अंडे आ गए, और एस्कैरिस के अंडे अगर आपने उसी पानी को पी लिया तो आपके पेट में जाएंगे. इसीलिए ज्यादातर समय पर बरसात के समय पर ठेलों का खाना खाने से बचना चाहिए. क्यों? बरसात के समय पर फीकल मैटर डिस्चार्ज लोग आउटसाइड ऑफ द हाउस करते हैं, और आउटसाइड द हाउस में डिस्चार्ज करने के बाद कई बार पानी के साथ ये पानी बहता है, और बहते हुए आपके पोटेबल वाटर यानी नल जहां लगा है वहां तक पहुंच सकता है, और नल के साथ ये पानी आ सकता है. अब इसी का कोई गोलगप्पे का पानी बना दे तो उस गोलगप्पे के पानी में आपके पास एस्कैरिस के अंडे आ गए. अब ये गोलगप्पा आपने खा लिया, एस्कैरिस के अंडे आपके इंटेस्टाइन में चले गए, और इस तरीके से आपको इन्फेक्शन हो सकता है. तो प्लीज अवॉइड करिए ऐसी चीजें खाना. और बरसात में तो अक्सर हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट. इसलिए सब्जियों को धुल के खाएं, फलों को धुल के खाएं, और पानी गंदा ना पिए जितना हो सके, वरना एस्कैरिस के इन्फेक्शन होने के चांसेस. नाउ एस्कैरिस के बाद आपके सामने एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस. वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई नाम के दो हेलमेंथिक है. इनके लार्वा या इनके बेटा यंगर ऑर्गेनिज्म दे लिव अपॉन द लिम्फैटिक वेसल. आप सोचोगे कि आपकी बॉडी की लिम्फैटिक वेसल में पहुंचे कैसे? याद रखना इनका लाइफ साइकिल मॉस्किटो में भी चलता है. जैसे मलेरिया का लाइफ साइकिल मॉस्किटो में चलता था, वैसे फाइलेरिया का भी लाइफ साइकिल मॉस्किटो में चलता है. एक मॉस्किटो है जिसका नाम है क्यूलेक्स, और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जब आपको काटता है तो ये वुचरेरिया का सिस्ट आपकी बॉडी में छोड़ देता है, और वुचरेरिया का सिस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन में जाकर के रहने लगता है. अब आपको लिम्फॉइड ऑर्गन मालूम होना चाहिए, ऐसे ऑर्गन जहां पर लिम्फ ऑर्गन है, टॉन्सिल से वहां रहने लगता है, और इन लिम्फॉइड ऑर्गन और लिम्फ डक्ट को ब्लॉक कर देता है. लिम्फ डक्ट ब्लॉक करने की वजह से लिम्फ जो गौर वापस लौट रहा था वो हार्ट में लौटता नहीं है और जमा होने लगता है. अगर ये पैरों में जमा होने लगे तो पैर फूलने लगते हैं. इसी को हाथी पाँव कहते हैं या फिर एलिफेंटियासिस कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस. चलो गिनो. बैक्टीरिया की? दो. वायरस की? एक. प्रोटोजोआ? दो. दो. और हेलमेंथिस? दो. दोनों के नाम? एस्कैरिसिस एंड फाइलेरियासिस. इसके बाद कुछ फंगल डिसीज दी गई हैं, उनके नाम केवल लर्न कर लो काफी अच्छा रहेगा. फंगल डिसीज में से एक माइक्रोस्पोरम नाम का फंगस, एक ट्राइकोफाइटम का नाम का, और एक एपिडर्मोफाइटम का.
अगर कभी भूल जाना तो आप इसे मेट के नाम से याद रखना. What is MET? M for microsporum, E for epidermophyton, and T for trichophyton. And all of them called the ringworm. Ringworm को हिंदी में हम लोग दाद बोलते हैं और आपकी बुक में दाढ़ी में दाद दिखाई गई है. ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर के साथ ग्रो करता है, यानी बालों में हो सकता है, दाढ़ी में हो सकता है, नेल्स में हो सकता है इन्फेक्शन. दाद आपकी नाखूनों में हो सकता है, बालों में हो सकता है, कई बार डेंड्रफ कहते हैं, दाढ़ी में हो सकता है, ग्रॉइंस में हो सकता है, उंगलियों के बीच में हो सकता है, जहां पर भी मॉइस्चर रहेगा. तो बोलते हैं जब भी देखना हो तो कैसा है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल, स्कार्फ. इसी को डेंड्रफ बोलते हैं जब स्कार्फ में होता है, सर में होता है. द मेन सिम्टम ऑफ डिसीज, दीज लेजन आर अकंपनीड बाय इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा खुजली होती है. Heat and moisture help these fungi to grow, which make them thrive in skin, such as those in groin, groin मतलब जांघों के बीच में, between toes, बेटा आपके टो के बीच में, ringworm are generally acquired from soil or using towel. तो कई बार आप लोग होटल्स जाते हैं और दूसरी towels use कर लेते हैं, cloths और even the comb, किसी दूसरे के कंघे मत use करें वरना dandruff होने के chances हैं, क्योंकि अगर किसी को dandruff है वहां पर फंगस हो, आपने वो कंघे यूज किए तो आपको भी हो सकता है. तीन लोगों के नाम याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन. आगे बढ़ जाइए. फंगस के बाद आपके पास पूछा गया है कि इनसे बचाव कैसे करें. बचाव के तरीके लिखे गए हैं, मैं एक एक करके सारे बचाव के तरीके, पहले मैं काउंट कर लूं कितनी इंफेक्शियस डिजीज आपने पढ़ी. एक तरफ चलते हैं, आपके नाम बताना, बैक्टीरिया की दोनों, टाइफाइड, निमोनिया, इसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग और डिफ्थीरिया, बैक्टीरिया खत्म, वायरस, कॉमन कोल्ड, इसके बाद प्रोटोजोआ, मलेरिया और अमीबियासिस, इसके बाद हेलमिंथिस, एस्केरिस, फाइलेरियस और इसके बाद फंगल, रिंगवॉर्म. बैट याद रहेगा इससे बचने के बाद. बोलते हैं कैसे इन बीमारियों से बचे, प्लीज नोट इट डाउन और बहुत ध्यान दें. केवल पढ़ाई नहीं जाती चीजें कि एग्जाम में आए, बजाय इससे कुछ जिंदगी में भी सीखें कैसे बच सकते हैं, क्या क्या काम करें जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं. चलो नोट करो. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, साफ सफाई खुद की और पब्लिक में भी साफ सफाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज, मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन. अब पर्सनल हाइजीन क्या है और पब्लिक हाइजीन क्या है, दोनों अलग अलग पढ़ा रही हूँ. पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग बॉडी क्लीन, मतलब वो सीधे शब्दों में बोल रहे हैं नहाओ धो. कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा पियो, खाना साफ सुथरा खाओ, वेजिटेबल साफ सुथरी खाओ, फ्रूट साफ सुथरे खाओ, ये पर्सनल हो गया, ये पर्सनल हाइजीन है. पर्सनल हाइजीन में लिखा है नहाओ धो, अच्छा खाना खाओ, साफ सुथरा पानी पियो, सब्जियां साफ सुथरी खाओ, फल, बस इतना याद करना. पब्लिक हाइजीन क्या है, पब्लिक जगहों पर गंदगी मत फैलाओ, इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा. कहीं पर भी खड़े होकर के आपको यू नो यूरिन डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए. पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, अगर कहीं पर पानी का बहुत बड़ा स्रोत है तो उसे साफ करते रहो, टंकी को साफ करते रहो, पीरियोडिक महीने में एक बार तो साफ ही करो, स्विमिंग पूल को साफ करते रहो, सेस पूल अगर आपके घर में कोई पूल है उनको साफ करते रहो, आपके घर में कोई टैंक है उन्हें साफ करते रहो. और पब्लिक कैटरिंग, जहां खाना खाने जा रहे हो वहां देखो बर्तन साफ सुथरे हैं कि नहीं, उनको बोलो. द मेजर आर पर्टिकुलर सेंसर व्हेन द एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड, अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस. तो ये कई बार टाइफाइड आपको क्यों हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, आपका मिस वाला आपको गलत खाना बना रहा है, गंदे खाना आपको हो रही है, आपका मिस वाला आपको गलत जगह से पानी ले रहा है, एमीबियासिस हो रही है, गंदी जगह से पानी ले रहा है, एस्केरियासिस हो रही है. ये तरीके हैं पब्लिक और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए. अब एयरबॉर्न डिसीज को कैसे रोके, हवा में होने वाले डिसीज को. इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिसीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, एडिशन ऑफ अबव मेजर, इनके अलावा और क्या करें, क्या क्या करें, देखो क्या क्या लिखा हुआ है. क्लोज कॉन्टेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन, इससे बचें. कैसे बचेंगे, मास्क लगाकर, किसी से क्लोज कॉन्टेक्ट मत करें, उनकी बिलोंगिंग को मत छुए, बिलोंगिंग का मतलब उनके पेन को, उनके कंप्यूटर को, उनके कंघे को ना छुए,
और मलेरिया जैसे डिसीज से बचने के लिए क्या करें, मच्छरों और वेक्टर को मारे, यानी वेक्टर को कंट्रोल करें, मलेरिया और फाइलेरिया जैसी चीजों से बचने के लिए वेक्टर को कंट्रोल करें। जैसे वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मछली के बारे में बताया, नाम बताओ, गंबूसिया किसे फीड करती है, मॉस्किटो लार्वा। इन एडिशन इसके अलावा क्या करें, डोर और विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायरनेस, इनमें जालियां लगवाएं ताकि मच्छर ना घुस सके। मच्छर ना, सच प्रिकॉशन हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन लाइट ऑफ रीसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो को कौन सी बीमारी कर रहा, इट इज डेंगू, चिकनगुनिया। इसलिए डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए आपको मच्छरों से बचना ही पड़ेगा। तो मच्छरों से बचने, मच्छर चार तरीके की बीमारियां आप करने लगे, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो इन सबसे बचने के तरीके आपकी बुक ने बताए, मैं जबरदस्ती ने पढ़ाना नहीं चाहता था, वरना तुम्हें लगेगा कि सर ऐसा आपने छोड़ दिया। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रिवेंशन क्या होते हैं, ऐसे प्रिवेंशन जो वैक्सीन के द्वारा किए जाते हैं, दीजा उन्होंने स्पेसिफिक प्रिवेंशन यूज ऑफ वैक्सीन। जैसे एक वैक्सीन थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से लेकर स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से खत्म किया जा चुका है। देयर इज ओनली वन डिजीज इन ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अकेली एक बीमारी को हम पूरा ठीक कर पाए, कौन, लाखों बीमारियों में केवल एक बीमारी हमसे ठीक क्यों हो पाई, क्योंकि हमने क्या कराया, वैक्सीनेशन। पोलियो भी ठीक हुई है लेकिन उतनी नहीं, इंडिया में कम हुई है। लाइक पोलियो, डिफ्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, इनके टीके लगवाए। और बोले आजकल नई नई डिस्कवरीज चल रही है बायोटेक्नोलॉजी से और नए नए टीके बन रहे हैं। रिसेंट टीका जो इस समय बड़े चर्चा में है, कोविड टीका, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया और आप लोग इसे कोविशील्ड या फिर जो भी है कोवैक्सीन के नाम से लगवा रहे, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके के टीके लगवाए ताकि आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो सके। इसके अलावा अगर आप इन सबसे इस तरीके की हाइजीन नहीं रखना चाहते, आप गंदे रहना चाहते हैं, आप वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहते, तो अब आपका भगवान भरोसे ही जिंदगी चल रही है। और भगवान भरोसे जिंदगी तब तक चलेगी जब तक आपकी क्या सही है, व्हाट इज इम्यूनिटी, इट इज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स इन्फेक्शन, रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर टुवर्ड्स इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। पर इम्यूनिटी भगवान ने आपको दो तरीके की दी है, एक तो आपको जन्मजात दी है जो जन्म से आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इनेट, एक आपने यहां आकर इस संसार में आकर एक्वायर की है, दैट इज एक्वायर्ड। तो दो प्रकार की इम्यूनिटी है, एक वो जो भगवान ने आपको पैदा होते ही दे दी, दैट इज इनेट, और एक वो जो आप इन्फेक्शन की वजह से ले पाए। अजीब कहानी है, आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए इन्फेक्शन करना पड़ेगा, ऐसी इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन की वजह से हो और इन्फेक्शन के खिलाफ हो, याद रखना ऐसी इम्यूनिटी का नाम एक्वायर्ड है। कितने प्रकार की इम्यूनिटी है, दो, एक कौन इनेट, दूसरा कौन एक्वायर्ड, कौन है जन्मजात इनेट और कौन है जो बाद में आई, तो दो प्रकार की इम्यूनिटी में, पहली इम्यूनिटी है इनेट इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के चार प्रकार भगवान ने आपको चार बैरियर दिए हैं, चार चीजें दी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। पहले फिजिकल बैरियर, सुनो अगर ऐसे रट्टा मारोगे तो जिंदगी में रट्टा मारते रहोगे। सोचो अपनी बॉडी एक किला है और इस किले में लोग घुसना चाहते हैं, तो किले में घुसने के लिए जो सबसे पहला कॉन्टेक्ट होगा वो क्या क्या हो सकता, किले की दीवारें, तो हमारी बॉडी की दीवारें में क्या है, स्किन, तो स्किन इज अवर फिजिकल बैरियर। पर सर मुंह में तो स्किन नहीं है, ओके, आंख में तो स्किन नहीं है सर, ओके, हमारे पास 10 दरवाजे हैं उनमें तो स्किन नहीं है, यस, तो उन जगह पर क्या है, म्यूकोसा, क्या है, म्यूकोसा, आंख में म्यूकोसा, मुंह में म्यूकोसा या एनस में म्यूकोसा। तो याद रखना फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है, स्किन आती है और म्यूकस कोटिंग, ये कैसी बैरियर है बेटा, फिजिकल। इसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल दोस बैरियर विचार केमिकल इन नेचर, बायोकेमिकल नेचर में है, बायोकेमिकल कंपाउंड है। जैसे आपकी पेट में क्या है बेटा, एसिड, ये कैसा है, फिजियोलॉजिकल।
आपके सलाइवा कहां पर है, आपके माउथ में, ये कैसा है, फिजियोलॉजी। म्यूकोसा क्या थी, फिजिकल, लेकिन बेटा उस म्यूकोसा में चिपका हुआ सलाइवा क्या है, फिजियोलॉजी। ओके आगे सुनो, आई में म्यूकोसा है लेकिन उस पर पड़ने वाले टीयर क्या है, फिजियोलॉजी। तो याद रखना फिजियोलॉजिकल में हो गया एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर इन आईज, इवन स्वेट आपकी बुक में दिया, लिख सकते हैं स्वेट इन स्किन, स्किन में पाया जाने वाला आपका पसीना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, इसमें भी लाइसोजाइम नाम का एक सब्सटेंस होता है। आगे चलो, सेलुलर बैरियर, ये कौन से बैरियर हैं, ये बैरियर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, अगर कोई दीवार तोड़ करके अंदर घुस भी गया तो ब्लड मिलेगा। अब ब्लड में कुछ बैरियर प्रेजेंट है, कुछ ऐसी सेल प्रेजेंट है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगी, तो याद रखना इनमें से एक है पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये उस ऑर्गेनिज्म को जो वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसा है उसको खा जाएगी, या फिर एनके सेल, आगे यही लिखा है एनके सेल, व्हाट इज एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। इसके अलावा मोनोसाइट, और कौन सी, मोनोसाइट। इसके अलावा लिम्फोसाइट, और कौन, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के, दो, एक कौन बी लिम्फोसाइट और एक बी, ये कैसे बैरियर है, सेलुलर, मेरे साथ बोलो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में ये आ गई आपकी साइटोकाइनिन बैरियर, और साइटोकाइनिन बैरियर में दीज आर द लोकल हार्मोन या फिर लोकल प्रोटीन लाइक इंटरफेरॉन। बताओ इंटरफेरॉन किसके अगेंस्ट काम करती है, वायरस, वायरस की ग्रोथ को इंटरफियर करते हैं, क्या बोलो, फिर से बोलो, वायरस की ग्रोथ को इंटरफियर करने वाली प्रोटीन का नाम इंटरफेरॉन। बताओ कितने प्रकार की इम्यूनिटी थी, दो, चार नहीं दो, एक कौन, इननेट और एक, और इननेट में बैरियर कितने प्रकार के, इम्यूनिटी नहीं बैरियर कितने प्रकार के, चलो बता पाओगे, बोलो बोलो, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। ओके अब कौन सी इम्यूनिटी आई, एक्वायर इम्यूनिटी, वो होती है जो हम बाद में एक्वायर करते हैं, और ये कैसे एक्वायर करते हैं, ये आपकी बॉडी से दी गई है, याद रखना कैसे एक्वायर करते हैं। अब याद रखना अगर मैं पढ़ाऊं नहीं और तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया देकर के आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सारे लोग अपने मन में लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अचीव बाय, अचीव एट द कॉस्ट ऑफ इंफेक्शन, ऐसी इम्यूनिटी जो हमने इन्फेक्शन खा करके कमाई है, इन्फेक्शन झेल कर कमाई है। अगर आपको चिकन पॉक्स एक बार हो गया तो आप दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक बार चिकन पॉक्स होने से हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स के खिलाफ क्या पैदा हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सर ये कैसे पैदा होती, आइए इस पैदा होने वाली इम्यूनिटी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। जब भी पहली बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुसता, ये रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुसता है तो हमारी बॉडी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए तैयार नहीं होती, तैयार नहीं होती, इसलिए जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुसता है तो भयानक डिसीज करता है, डिसीज बहुत ज्यादा कर देता है, क्यों, क्योंकि इस डिसीज से लड़ने के लिए जो हमारे रिस्पांस है, दीज रिस्पांस आर नोन एज प्राइमरी रिस्पांस, कैसे रिस्पांस, और ये जो प्राइमरी रिस्पांस है दीज आर स्लो रिस्पांस, और ये स्लो रिस्पांस ऐसे रिस्पांस है जो लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, किन कोशिकाओं द्वारा, और लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ये रिस्पांस, चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानने की कोशिश कर रही है तो जब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानती तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है कि डिसीज आपको फुल फ्लेज होगा। ओके पर इस प्राइमरी रिस्पांस की वजह से हमारी बॉडी में एक मेमोरी पैदा होती है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म की उस पर्टिकुलर, अब जब वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दोबारा हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, सेकेंड टाइम इन्फेक्शन करता है, अब जब ये सेकेंड टाइम इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है, चूंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट थी, तो हम मेमोरी की वजह से अब इस इन्फेक्शन से लड़ते हैं बाय प्राइमरी रिस्पॉन्स की,
और ये जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है ये बड़ा फास्ट रेस्पॉन्स, स्लो की फास्ट, और इसे बोलते हैं एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, और एक ऐसा रेस्पॉन्स जो फास्ट रेस्पॉन्स है, बताओ डिसीज होने लगा कि नहीं, नहीं। और डिसीज होने के पहले इस बैक्टीरिया या इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार। तो बताओ प्राइमरी रेस्पॉन्स की वजह से पैदा हुई, लेकिन सेकेंडरी रेस्पॉन्स ही क्या है बेटा, आपकी इम्यूनिटी है। बताइए ये इम्यूनिटी जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है आपको डिसीज होने दे कि नहीं, पर प्राइमरी रेस्पॉन्स इम्यूनिटी डिसीज। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के बारे में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की कहानी है, और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को मैं अपनी तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं इस पूरे पैराग्राफ को जगह उठाकर देख रहा हूँ, जहां पर मुझे ज्यादा जगह मिल जाए मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, फिर वापस से चल के वहां पर मैं पढ़ लूंगा। ओके, सबसे पहले आपको मालूम है ब्लड सेल्स दो प्रकार, तीन प्रकार के हैं। एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है प्लेटलेट, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी। थैंक यू वेरी मच। मेरा कंसर्न ना तो आरबीसी से ना तो प्लेटलेट से, मेरा किससे कंसर्न है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी बेटा दो प्रकार की है, एक है बेटा ग्रैनुलोसाइट्स, बोलो कौन सी है, ये रही ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट में तीन प्रकार की हैं, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। थैंक यू वेरी मच, न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों मैंने अलग लिख दी। अब दूसरी प्रकार की है बेटा ए ग्रैनुलोसाइट, जिनमें कोई ग्रैन्यूल ना हो, ऐसी सेल का नाम है ए ग्रैनुलोसाइट। थैंक यू वेरी मच। Now the A granulocyte are of two types. One is known as monocyte. और ये monocyte एक phagocyte की तरह काम करती है, जो किसी भी organism को खा सकती है अगर आपकी body में घुसे, याद करो natural killer cell phagocyte पर। अब A granulocyte में दूसरी कोशिका है lymphocyte, बस यही खतरनाक सेल है। लिम्फोसाइट एक्चुअली बनती बोन मैरो में, कहां पर बनती है, आपकी जितनी भी ब्लड सेल है, फिर से बोल दे रहा हूं, जितनी भी ब्लड सेल है, whether it is, सब कहां बनती है, तो लिम्फोसाइट भी कहां बनती है, बोन मैरो में। बनने के बाद ये मैच्योर होने के लिए जाती है, अगर ये मैच्योर होने के लिए बोन मैरो में ही जाए, कहां जाए, जहां है वही मैच्योर हो जाए, ऐसी लिम्फोसाइट को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। बोलो क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट। थैंक यू वेरी मच। और अगर बोन मैरो में से वो मैच्योर होने के लिए कहां जाए, थाइमस, तो थाइमस में गई तो उन्हें क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट। तो बताओ टी में, टी लिम्फोसाइट में टी क्या है, थाइमस, और बी लिम्फोसाइट में बी क्या है, बोन मैरो लिम्फोसाइट है। अब देखो लिम्फोसाइट दो प्रकार की, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी। अब टी लिम्फोसाइट फर्दर तीन प्रकार की होती हैं, घबराना मत, ध्यान सुनना। अगर इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा कि आपकी बॉडी में घुस रहा, तो ये उसे मार देगी, इसलिए इनका नाम किलर्स, जाएंगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे, नाम बताओ किलर्स। किलर सेल काम करें इसके लिए इनकी हेल्प करने के लिए एक सेल होती है, नाम बताओ हेल्पर सेल। अगर हेल्पर सेल ना होती तो किलर सेल काम नहीं, बताओ। ये बिल्कुल गांव के भैया जैसे ही हो कि भैया कह रहे हैं आज मैं आज इस दुश्मन को मार दूंगा, तो भैया का छोटा भाई बोला मार दो भैया छोड़ना नहीं। अच्छा, वहीं पर भाभी जी हैं जिनका नाम है सप्रेसर सेल, और वो कहती है लड़ाई झगड़े में क्या रखता है, छोड़ दो। यानी किलर सेल के एक्शन को कम करने वाली सेल का नाम सप्रेसर। तो बताओ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया बॉडी के अंदर तो कौन मारेगा, तो बताओ कोई चीज जाएगी, पूरी सेल जाएगी, पूरी सेल जाएगी, और इस सेल को मदद करने वाली पूरी सेल हेल्पर, और इसको बोलो कि भाई मत करो, कौन सप्रेस। इसलिए चूंकि यहाँ पर पूरा का पूरा इम्यूनिटी सेल से हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं CMI। बोलो क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर से बोलो, बताइए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कोई भी रोल एंटीबॉडी का है कि नहीं है, नहीं है। इस पूरी इम्यूनिटी में खुद सेल जा करके मार रही है माइक्रोऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब आइए बी लिम्फोसाइट।
जरा बी लिम्फोसाइट को समझने की कोशिश करिए। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार की सेल रखती है, एक का नाम है प्लाज्मा सेल, बोलो क्या नाम, और दूसरे का नाम है मेमोरी सेल। तो याद रखना इन्हें भूलना मत। बी लिम्फोसाइट हैविंग द टू टाइप सेल, वन इज नोन एज प्लाज्मा सेल, अनदर वन इज मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल कह रही है कि मैं लड़ने नहीं जाऊंगी, मेरे पास एक बंदूक है और उस बंदूक में गोलियां हैं और गोलियों का नाम है एंटीबॉडी, बोलो क्या नाम है, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर सेल लड़ने जा रही है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी इज अ सिक्रीशन, एंटीबॉडी इज अ सिक्रीशन, और सिक्रीशन को बोलते हैं ह्यूमर, क्या बोलते हैं ह्यूमर। इसलिए इस तरीके के इम्यून सिस्टम को क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी, बोलो क्या नाम, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एच आई। तो बताइए कितने प्रकार की इम्यूनिटी बनाई तुमने, दो, एक कौन सीएमआई और एक कौन एचआई। बताओ टी सेल्स कौन सी बनाएंगे, सीएमआई, और बी सेल्स क्या बनाएंगे, एचआई, क्या बनाएंगे एचआई, और एचआई में कौन सी बॉडीज काम करेंगी, एंटीबॉडी। पर याद रखना एंटीबॉडी भी किससे बन रही है, सर एंटीबॉडी बन रही है प्लाज्मा सेल से, किससे बन रही है प्लाज्मा सेल से, प्लाज्मा सेल को कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट, बोलो कौन, बी लिम्फोसाइट। याद रखना अब एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये डिसाइड करेगी हेल्पर सेल, बोलो कौन, हेल्पर सेल। तो हेल्पर सेल दोनों जगह हेल्प कर रही है, एक किसको, किलर को, एक किसको, और एक बी सेल की प्लाज्मा सेल को। तो हेल्पर सेल ने अगर प्लाज्मा सेल को हेल्प किया तो क्या बन जाएगी, तो अगर हेल्पर सेल ना होती तो सीएमआई काम करती नहीं, एचआई काम करती नहीं, बस यही काम तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हेल्पर सेल पे अटैक कौन करता है, एचआईवी, व्हाट इज एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा लग रहा पहली बार सुना, एचआईवी वायरस का नाम सुना है, वो किसको मार देता है, हेल्पर। तो हेल्पर सेल अगर मर गई तो सीएमआई हुआ कि नहीं हुआ, और एचआई हुआ कि नहीं हुआ, तो इम्यूनिटी रही कि नहीं रही, तो इम्यूनिटी की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी सिंड्रोम, इम्यूनिटी कौन सी, इनेट या एक्वायर्ड, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्यों हुआ, हेल्पर टी सेल चली गई, और हेल्पर टी सेल चली गई तो क्या चली गई, और क्या चली गई, यही है कॉन्सेप्ट, सर समझी नहीं आता, इसका मतलब आपकी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई और सिंड्रोम हुआ, और कौन सी इम्यूनिटी चली गई, इननेट चली गई, एक्वायर्ड चली गई, यानी सीएमआई भी चली गई, और एचआई। तो बताओ एचआई में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी। तो इस तरीके की दो प्रकार की इम्यूनिटी, एक ह्यूमरल और एक सेल्युलर। क्या मैं इसे दोबारा पढ़ाऊं, नो, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ना तो पढ़ाने जैसा हो जाएगा। अब बोलते हैं एचआई में बन रही है एंटीबॉडी, क्या बन रही है, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, कैसी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन भी कैसी, ग्लोबलाइज, ग्लोबुलर प्रोटीन। और चूंकि ग्लोबुलर प्रोटीन इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, इसीलिए इनका नाम आईजी, बोलो क्या नाम, आईजी, व्हाट इज आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये पांच प्रकार की याद रखना, गैम डे, ये फॉर्मूला याद रखना, गैम डे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। तो ये पांच प्रकार की एंटीबॉडी है, और इनका अकरेंस सबसे ज्यादा आईजी, उसके बाद आईजी, उसके बाद आईजी, उसके बाद आईजी, सबसे कम आईजी। तो बॉडी में सबसे ज्यादा कोई एंटीबॉडी पाई जाती है तो कौन, आईजीजी, आईजीजी हो कि आईजीजी डी हो कि आईजीई हो, हर जगह पर प्रोटीन में दो हैवी चेन, कितनी चेन, दो, ये रही हैवी चेन, और दो कैसी चेन, लाइट चेन, और हैवी और लाइट चेन के बीच में कौन से लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। इसीलिए इन एंटीबॉडीज को हम लोग H2L2 बोलते हैं, व्हाट इज H2, दो हैवी और दो लाइट, और ये H2L2 है, इनमें से कुछ हैवी कुछ लाइट। याद रखना ये वाला एरिया सब में कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं, और ये वाला एरिया वेरिएबल है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि हर एंटीजन एक जैसा कि अलग अलग, इसलिए यहाँ पर एंटीजन को बांधने के लिए जगह पर सब लोग सब एरिया एक जैसा कि अलग अलग, तो ये वाला रीजन कैसा है, और ये वाला,
यू गॉट इट। पांच प्रकार के एंटीबॉडी के नाम बताओ। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी। बताइए ये वाली चेन हैवी है, ये वाली लाइट कितनी हैवी? दो। कितनी लाइट? दो। और दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी? डाइसल्फाइड लिंकेज। और इस तरीके से बेटा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बाद आपको सीएमआई के बारे में एक छोटा सा और बात बता दूं। व्हाट इज सीएमआई? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये ग्राफ्ट रिजेक्शन और ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस के लिए इम्यूनिटी है। अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया, किसका ट्रांसप्लांटेशन? किडनी। बताओ किडनी, किडनी किसकी है, अपनी है कि बाहर की? बाहर। अपनी? अगर किडनी आपकी बॉडी में डाली गई तो ये किसी दूसरे की है। तो फॉरेन किडनी जब भी आएगी तो फॉरेन किडनी को पहचानने वाली इम्यूनिटी का नाम सीएमआई। बड़े सीएमआई। सीएमआई। अब हमें ये किडनी अपनी बॉडी में रखना है कि नहीं रखना है, कौन डिसाइड करेगा? सीएमआई। सीएमआई क्या चाहेगी, इसे रखे कि हटा दे? हटा दे। क्योंकि हर फॉरेन चीज के खिलाफ कौन काम करता है? इसीलिए हमें सीएमआई को डिप्रेस करना पड़ेगा और हमें दवाइयां खिलानी पड़ेंगी। और वो दवाइयां क्या होंगी? इम्यूनो सप्रेशन। तो बताइए जब किसी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन या लीवर ट्रांसप्लांटेशन होगा तो हम उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि घटाने की? घटाने। And that's why those drugs are known as immunosuppressants. So ये था आपकी immunity. अब immunity के कुछ दो तीन point और हैं। एक कौन सी? Active immunity और एक passive. याद रखना active immunity और passive immunity क्या है? Active immunity वो है जो हमने infection के द्वारा कमाई है। Passive immunity वो है कि हमने किसी की बनी बनाई antibodies अपनी body में ले ली। फिर से सुनो। अगर हमें चिकन पॉक्स हुआ, देखो ध्यान से, चिकन पॉक्स हुआ और चिकन पॉक्स होने के बाद हमने चिकन पॉक्स के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर ली, इट इज एक्टिव। लेकिन मान लो हमने किसी की एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर डाली, एंटीबॉडी हमारी नहीं है। जैसे हमने जब मम्मा का मिल्क पिया तो हमने मम्मा के मिल्क में पाई जाने वाली आईजीए एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में आने दी। बताइए ये एंटीबॉडीज हमारी है कि मम्मा की? तो इसका मतलब ये एक्टिविटी के पास। ठीक इसी तरीके से प्लेसेंटा को पास करके भी एक एंटीबॉडी आती है, इट इज नोन एज आईजीजी। तो बताओ आईजीजी हमारी बॉडी में आई, इट इज एक्टिव की पैसिव। तो जो हमारी एंटीबॉडीज है इट इज एक्टिव और जो हमने दूसरे से कमाई है सारे पैसिव। तो दो प्रकार की इम्यूनिटी, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव पैसिव के बाद आता है वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। मुझसे बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर व्हाट इज द in difference between the vaccination and immunization. देखो vaccination depend upon active immunity. और अभी अभी मैंने active immunity पढ़ाई थी, आप शायद भूल गए what is active immunity. वो immunity जो हमने किससे कमाई हो? infection से। वो immunity जो हमने infection से कमाई है that is known as active immunity. हम क्या करते हैं कि मान लो हमें तुम्हें पोलियो से बचाना है, किससे बचाना? पोलियो। So हम पोलियो का वायरस और वो भी कैसा? एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मतलब बहुत मजबूत की बहुत कमजोर। और ऐसा वायरस जो आपको डिसीज कर पाएगी ना, ऐसा वायरस आपकी बॉडी में डालते हैं। और जब ये वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो ये वायरस आपको डिसीज करेगा कि नहीं? तो हमारा प्राइमरी रिस्पांस भले ही स्लो हो, कैसा हो? स्लो। लेकिन बेटा स्लो होने के बावजूद भी डिसीज, लेकिन उसी प्राइमरी रिस्पांस के बाद क्या बन जाएगी? मेमोरी। क्या बन जाएगी? अब क्या कोई ओरिजिनल नया पोलियो वायरस घुसे तो वो डिसीज करेगा कि मर जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने प्राइमरी रिस्पांस दिलाने के लिए तगड़ा वायरस भेज दिया कि हल्का, और इस वजह से प्राइमरी रिस्पांस के दौरान हमें डिसीज हुई कि नहीं? नहीं। और बजाय डिसीज नहीं होने के हमारे क्या बन गई? मेमोरी। तो जितने भी वैक्सीनेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एक्टिव। पर इम्यूनाइजेशन क्या है सर? इम्यूनाइजेशन दो तीन बीमारियों का होता है, जैसे कि टिटनेस का। किसका बेटा? टिटनेस। जैसे कि रेबीज का। अब होता क्या है कि इन डिसीज को एक बार अगर हो गई तो ये डेथ ही कर देती है। तो प्राइमरी रिस्पांस ही इतना स्लो होता है और इतनी भयानक डिसीज होती है कि आप मर जाओगे। तो जब मर जाओगे तो सेकेंडरी रिस्पांस होने के चांसेस नहीं। तो हम क्या करते हैं इन बीमारियों की प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। कैसी एंटीबॉडीज? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनाते हैं। सर ये कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, जिनमें से एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक। ये मोनोक्लोनल एंटी
एंटीबॉडीज बनाने की टेक्निक्स होती है, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने पहले से बना रखी हैं, बताइए ये हमारी एंटीबॉडीज है कि बना रखी है, कहां पर रखी? लैब में। अब इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डाल दिया गया, कब डाला गया? जब कुत्ते ने कब, जब आपको घाव लगा, इसका मतलब है ये परमानेंट है कि नहीं है? नहीं, ये तब होगा जब आपको बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है, याद रखना है, ये तब भी होगा जब बीमारी हो या ना हो, तब तो और अच्छा है, तब आपको ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे, और ये इंजेक्शन तब लगाए जाएंगे जब आपको बीमारी होने के चांसेस ज्यादा। तो याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनाइजेशन तब करते हैं जब अपनी एंटीबॉडीज लेते हैं कि दूसरे की, दूसरे, और वो इम्यूनाइजेशन इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम जो होते हैं, इनमें भी एंटीबॉडीज लेते हैं, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज लेते हैं, रैबीज के केस में, टिटनेस के केस में, ये सब एक्टिव इम्यूनाइजेशन है कि पैसिव? और इसीलिए टिटनेस का इंजेक्शन हर 6 महीने के बाद अलग लगवाते हैं, क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद ही एंटीबॉडीज खत्म, अगली बार फिर से घाव लगा तो आपकी बॉडी तो पैदा कर नहीं रही मेमोरी, तो आपको फिर से लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से ये बार बार लगाने पड़ते हैं। तो बताइए, वैक्सीनेशन, टीकाकरण कितने प्रकार के? दो, एक वैक्सीनेशन, दूसरा इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एक्टिव, इम्यूनाइजेशन पैसिव। तो आज की बुक में पैसिव इम्यूनाइजेशन शब्द यहाँ पर दिया गया। आगे बढ़ जाइए, इसके बाद आता है बेटा एलर्जीज। क्या होती है एलर्जीज? एलर्जीज आर हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए, एलर्जीज और इम्यूनिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपकी बॉडी में पैथोजन घुसा, ए सिंगल पैथोजन घुसा, और इस सिंगल पैथोजन के खिलाफ पहले आया प्राइमरी रिस्पांस। कैसा रिस्पांस है? बताइए, प्राइमरी रिस्पांस स्लो होगा कि फास्ट? स्लो। ओके, और इसने कहा कि भैया देख लेते हैं, इस पैथोजन को मारते हैं। पर मान लो एक नॉन इंफेक्शन वाली चीज भी आपकी बॉडी में घुसे, मान लो एक पॉलन ग्रेन आपकी बॉडी में घुसा, और इस पॉलन ग्रेन के घुसते ही पूरी बॉडी में हाय बाबा मचा दी, हाय राम को ही घुस गया, मारो। अब बताइए, यहां पर जो आपके प्राइमरी रिस्पांस है वो नॉर्मल है कि एग्जैगरेटेड है? बहुत ज्यादा रिस्पांस है, और इतने ज्यादा रिस्पांस है कि आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम इस पॉलन ग्रेन के खिलाफ लग गए। बताइए, ये नॉर्मल सेंसिटिविटी की हाइपर सेंसिटिविटी, और इस हाइपर सेंसिटिविटी का ही नाम क्या है? होता क्या है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन घुसा, ये एलर्जन डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ये एलर्जन स्मोक हो सकता है, तो इस एलर्जन को देख करके आईजीई नाम की एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है। कौन सी? आईजीई। बहुत ध्यान सुनना, बोलो कौन सी? आईजीई। और ये आईजीई नाम की एंटीबॉडीज जाती है मास सेल के पास। किसके पास? मास सेल। और मास सेल को हाइपर एक्टिव कर देती है। कैसा कर देती है? और जैसे ही हाइपर एक्टिव हुआ तो मास सेल से तीन कंपाउंड निकलते हैं, एक हीपेरिन, एक हिस्टामिन और एक सीरोटोनिन। इसमें से जो हिस्टामिन है ये बड़ा खतरनाक है। क्या है हिस्टामिन? बताइए, हीपेरिन कैसा है? एंटी डोमिनेंट। हिस्टामिन इज आपकी पूरी बॉडी में रैसेस पड़ने लगते हैं, आपको खुजली होने लगती है। ये रैसेस किसकी वजह से पड़ रहा है? ठीक है, और इसी वजह से आपको थोड़ी देर बाद सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये एलर्जी नॉर्मल सेंसिटिविटी की हाइपर, और इसी हाइपर सेंसिटिविटी में एक हाइपर सेंसिटिविटी का नाम है अस्थमा। क्या नाम है? अस्थमा। ये अस्थमा तो इतनी हाइपर सेंसिटिविटी है कि आप हाय तवा मचा करके आपकी ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो बताओ जो एयर आ और जा रही है उसको क्या मिलेगा? नॉर्मल चीजें की रेजिस्टेंस, सांस लेने में लाइक दिस, इस तरीके की वीजेस पैदा होंगी। तो बताइए अस्थमा क्या है? कोई बीमारी है कि एलर्जी है? एलर्जी। तो कौन सी एंटीबॉडी? आईजी। और इस तरीके से एग्जैगरेटेड रिस्पांस ऑफ द इम्यूनिटी, इट इज नोन एज एलर्जी। अगर बेटा इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स एग्जैगरेटेड हो जाए
इट इज नोन एज एलर्जी. बताओ कौन सी एंटीबॉडी काम करती है इसमें? बताओ एलर्जी को खत्म करने के लिए हिस्टामिन दे कि एंटी हिस्टामिन? एंटी हिस्टामिनिक दे. और क्या दे? और क्या दे? स्टेरॉइड. स्टेरॉइड इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? कितनी बार तो मैंने पढ़ाया स्टेरॉइड इम्यूनिटी को. अभी कोरोना हुआ था तो स्टेरॉइड एक ट्रीटमेंट था, लेकिन उस स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट की वजह से एक बीमारी होने लगी थी, बोलो ब्लैक फंगस. याद है? जितना ज्यादा स्टेरॉइड लगाया जा रहा था इम्यूनिटी बढ़ रही थी, घट रही थी. बताओ ब्लैक फंगस जो नॉर्मल फंगस है, जो कभी कुछ नहीं करता, क्या वो भी होने लगा था? तो स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. आगे चला ऑटो इम्यूनिटी. हमारे टीचर पढ़ाते थे कि हमारा कुत्ता हमी को काट खाए, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. एक कोई पढ़ाने का तरीका नहीं हुआ. हुआ क्या कि जो हमारी इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी है, वो हमारी सेल्फ ऑर्गन को खाने लगे, सेल्फ ऑर्गन की तरफ अटैक करने लगे. यानी हमारी टी सेल और वी सेल किसको अटैक करने लगे? दूसरे ऑर्गन, दूसरी पैथोजन को, की हमारी बॉडी. इट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. एंड इस ऑटो इम्यूनिटी के कुछ डिसीज है, नाम याद रखना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, which affect many people in our society. It is known as autoimmune disease. Autoimmune disease में एक और भी और disease है, एक है Hashimoto's disease. इसके अलावा myasthenia gravis, और कुछ इसके अलावा normal arthritis भी, इसके अलावा rheumatoid arthritis. ये सारी डिसीजेज हैं जो आपकी बॉडी आपके खिलाफ ही काम करने लगती है. सो दीज आर द सम डिसीजेज जो आपको मालूम होने चाहिए. इसके बाद इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. अच्छा बताओ इम्यून सिस्टम क्या होगा? द सिस्टम इन विच इम्यूनिटी सेल कैन डेवलप एंड डिफरेंशिएट. फिर से सुनो, वो बॉडी ऑर्गन जहां पर इम्यूनिटी की कोशिकाएं बने और मैच्योर हो, उन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर द ऑर्गन और टिश्यू और सेल. ऑर्गन टिश्यू और सेल वेयर इम्यून सेल प्रोलीफरेट एंड मैच्योर. जहां पर इम्यूनिटी के सेल प्रोलिफरेट हो या फिर क्या हो? मैच्योर. बताओ इम्यूनिटी के सेल क्या होती है? लिम्फोसाइट. बोल इम्यूनिटी के सेल कौन से होते हैं? आपकी इम्यूनिटी सेल दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती है. बोलो कौन कौन? बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. तो बोलते हैं जहां बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अपनी जिंदगी रह सके, गुजार सके, प्रोलिफरेट हो सके, मैच्योर हो सके, उन ऑर्गन को हम लोग इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं. इनमें से कुछ ग्रुप है जिनका नाम है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. बोलो कौन सा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो है जहां पर सबसे पहले सेल्स बनती हैं या मैच्योर होती है. एक कौन? बी फॉर बोन मैन, टी फॉर थाइमस. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहला कौन? बोन मैन. दूसरा कौन? थाइमस. अगर आप ये भूल जाओगे तो बी सेल और टी सेल भूल जाओगे. Why bone marrow and thymus? क्योंकि B cell कहाँ बनती है? Bone marrow. और mature भी कहाँ होती है? Bone marrow. T cell कहाँ बनती है? Bone marrow. Mature कहाँ होती है? And that's why these are primary lymphoid organs. इसके बाद जब ये mature हो गए तो ये रुकते कहाँ हैं? कहाँ घर बना के रहने लगते हैं? Secondary lymphoid organ में. और secondary lymphoid organ क्या है? List है इनकी. ये body में देखो list रखी हुई है. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम आपके सामने. आफ्टर मैचुरेशन जहां पर लिम्फोसाइट माइग्रेट हो जाती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. मैच्योर होने के बाद जहां पर वो पहुंच जाती है, माइग्रेट हो जाती है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. इनमें से कौन कौन है? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, एयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. तो कुछ लोग अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन मानते थे, आजकल अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं, हम उसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मानते हैं. ओके, आपकी बॉडी में पूरा लिम्फोइड सिस्टम दिया गया. इनमें से थाइमस नाम की ग्लैंड को उन्होंने बहुत डिफाइन किया है. दिस ग्लैंड इज नोन एज ग्लैंड ऑफ एजिंग. ग्लैंड ऑफ एजिंग यानी जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी,
ये ग्लैंड का साइज बढ़ेगा कि घटता जाएगा। इट इज अटेंड टू रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट किसको? बोन मैरो। द स्प्लीन इज द लार्ज बीन शेप ऑर्गन, इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। स्प्लीन एक काम और करती है, स्प्लीन आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। क्या बेटा? आरबीसी की कब्र है। अगर आरबीसी मरी तो बताओ कहां भेजी जाएगी? स्प्लीन। और लिम्फोसाइट अगर मैच्योर हुई तो कहां, मैच्योर होने के बाद कहां भेजी जाएगी? स्प्लीन। मैच्योर होने के बाद कहां भेजी जाएगी? स्प्लीन। पक्का? और बताओ आरबीसी मरी तो कहां भेजी जाएगी? स्प्लीन। तो इस तरीके से यहां पर स्प्लीन के बारे में बताया गया। आगे हट जाओ, और आगे हटने के बाद आपको कुछ दिए गए हैं माल्ट टिश्यू। व्हाट इज माल्ट? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यानी पेयर पैचेस क्या है? माल्ट। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। दीज आर नोन एज माल्ट एंड इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी। कहां कहां पाए जाते हैं? Respiratory, digestive, and urogenital tract. What is MALT? Full form. Mucosa-associated lymphoid tissue. You got it? और इस तरीके से तुम लोगों ने बहुत बड़ा पार्ट पढ़ लिया, जिसको आप लोग सोच रहे थे कि सर कैसे समझेंगे, तो आपने काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। Now one of the diseases is known as AIDS. अगर मेरे स्टूडेंट हो तो पहले बता दो कि व्हाट इज एड्स। इट इज बिना पढ़ाए बताओ किस वायरस से और किसको अटैक करता होगा? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल अटैक होने के बाद सीएमआई बचेगी कि नहीं बचेगी? एचआई बचेगी? नहीं बचेगी। और सीएमआई और एचआई नहीं बचेगी तो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। इननेट इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब बताओ कि क्या पढ़ा दूं? आइए पढ़ाते हैं, देखते हैं। द वर्ड AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. This means deficiency of immune system acquired during the lifetime. Syndrome का मतलब होता है group of symptoms. पहला question, पहला AIDS का केस कहाँ पर? कब? 1981 में। और तब से लेकर आज तक कितने मिलियन लोगों को मार चुकी थी? ये disease बिल्कुल कोरोना की तरह आई थी और पूरी दुनिया में छा गई, कभी नहीं गई। तो आपको क्या लगता है कोरोना कभी जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन इस डिसीज में खास बात थी कि ये डिसीज एयर से नहीं फैलती थी। कोरोना गंदी किसी से किससे फैलती है? एयर। एड इज कॉज बाय एचआईवी। व्हाट इज एचआईवी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये एक वायरस कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस। आपकी बुक में डायग्राम नहीं है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप दो आरएनए बनाएं, ऐसे दो आरएनए। इसमें आरएनए, इन आरएनए में बेटा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर इसके बाद इसमें एक प्रोटीन कोट बना, ये रही प्रोटीन कोट, इंटरनल प्रोटीन कोट। ओके। फिर इंटरनल प्रोटीन कोट के बाद एक एक्सटर्नल प्रोटीन कोट बनाए वायरस का, एक्सटर्नल प्रोटीन कोट। फिर एक्सटर्नल प्रोटीन कोट बनाने के बाद इसका बाई लिपिड लेयर बनाए, बाई लिपिड लेयर। लिपिड की कितनी लेयर? दो। और इस बाई लिपिड लेयर में आप बनाए ग्लाइकोप्रोटीन्स। चलिए एक बार मेरे साथ ट्राई करिए। यहां पर आपकी बुक में वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी बनाएंगे मेरे साथ। चलिए क्या बनाए? दो आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड दो आरएनए, इन्हें बोलते हैं रेट्रो वायरसेस, क्योंकि ये क्या रखते हैं? आरएनए। फिर आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन कवरिंग बनाए, इंटरनल प्रोटीन कवरिंग। थैंक यू वेरी मच। ये डायग्राम आपको ऑनलाइन भी देख लेना चाहिए जब भी मौका मिले। इसके बाद नो आउटर प्रोटीन कवरिंग, आउटर प्रोटीन कवरिंग एक बनाए। तो वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिडिटी तो होता है, कितनी बार पढ़ाया है? टीएमवी में भी तो ऐसा ही था। यस। अच्छा, दो प्रोटीन कवरिंग हो गई। प्रोटीन कवरिंग के बाद इसमें बनाए आप क्या? बाई लिपिड लेयर। एक लिपिड की दो लिपिड? दो लिपिड लेयर। और इन दो लिपिड लेयर के बाद इसमें बनाए ग्लाइकोप्रोटीन।
अब लोगों को लगेगा सर ने कोरोना वायरस बना दैट इज अप्लाई. तो जब भी कभी ये वायरस तुम्हें दिख जाए तो इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल सबको जरूर बताना. बताओ इसके बारे में जेनेटिक मटेरियल क्या है. आरएनए. बोलो क्या है. आरएनए. और आरएनए रखने वाले वायरस इट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस. याद रहेगा. तो ये डायग्राम है आपके वायरस का. इसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है पक्का. अब ये हमारी बॉडी में घुसता कैसे. ये वायरस द सेम वायरस कैसे घुसता है. आइए देखते हैं कैसे घुसता है. चार मेन तरीके हैं. विज्ञापनों में रेडियो में टीवी में लोग बताते रहते हैं. एक बार समझो. पहला सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन. पहला तरीका. By transfusion contaminated blood and blood product, blood donation or blood product की वजह से. By sharing needles in case of intravenous drug abuser, intravenous drug abuser में needles share करने में. And from infected mother to child through placenta. चार मुख्य तरीके. बाकी सर वो मैंने saving कर ली तो उसका plate लग गया था उससे मेरे को कितना होने के चाहिए सब बकवास है. बहुत माइनर केसेस हैं. मेजर केसेस में पहला सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा इंफेक्टेड और इंफेक्टेड मदर से चाइल्ड से. चार तरीके से ये वायरस आपकी बॉडी में घुसता है. जब ये वायरस आपकी बॉडी में घुसता है तो पहले पहले ये कभी टी सेल में नहीं जाता. नेवर. ये सबसे पहले जाता है मैक्रोफेजेस में जाता है. तो याद रखना आपकी बॉडी की पहली कुछ कोशिकाएं हैं जिनका नाम है मैक्रोफेजेस. ध्यान से सुनो. जब ये मैक्रोफेजेस में जा रहा होता है तो कैसे जाता है. अब ये वायरस रहा. ध्यान से देखो. वायरस के पास आरएनए ही रहा. जब ये जा रहा होता है तो प्रोटीन कवरिंग बाहर छोड़ देता है. केवल क्या अंदर ले जाता है. आरएनए. फिर से बोलो. आरएनए. जब ये अंदर आरएनए लेकर के पहुंचता है तो आरएनए से बनाता है सीडीएनए. व्हाट इज सीडीएनए. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. मैंने पढ़ाया था आरएनए से डीएनए बनना इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. बोलो क्या बेटा. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना लिया. डीएनए. किसके अंदर बनाया. मैक्रोफेजेस. किसके अंदर. मैक्रोफेजेस. तो ये वायरस किसके अंदर घुसा. एनिमल से. एनिमल सेल का नाम मैक्रोफेज. मैक्रोफेज के अंदर गया तो प्रोटीन मिलेगा कि केवल आरएनए. आरएनए अंदर पहुंचने के बाद क्या बनाया. डीएनए. कौन सा डीएनए. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया. इसके साथ कोशिका है. कोशिका का अपना न्यूक्लियस होगा. और अपना न्यूक्लियस होगा तो उसका अपना डीएनए. मतलब ये डीएनए एनिमल डीएनए. उस एनिमल डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चला गया. किसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. वायरस. अब ये जितना ज्यादा डिवाइड करता रहा उतने ज्यादा वायरस पार्टिकल बनते रहे. ध्यान से देखो. अब और अच्छा दिखाई पड़ेगा. अब आप बता दोगे तो मुझे सही लगेगा. बताओ वायरस घुसा कहां पर. माइक्रोफेजेस. क्या प्रोटीन भी गई. यस सर. क्या गया. आरएनए. आरएनए अंदर घुसने के बाद क्या बनाया. सीडीएनए. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किस प्रोसेस से. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए गया वो किसके साथ गया. होस्ट के डीएनए. होस्ट कौन. मैक्रोफेज. होस्ट डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करके खूब सारे आरएनए पैदा किए गए. आरएनए पैदा किए उन्होंने क्या बना ली. प्रोटीन. बताओ ये वायरस हो गए. These virus are formed by animal cell. कौन से animal cell. Macrophages. तो हमने कहा जो हमारी macrophages हैं, they become the HIV factory. बोलो क्या. तो बताओ HIV एक था और बनने बहुत सारा लगा कहाँ. Macrophages. और इन macrophages से निकलने के बाद HIV कहाँ पहुंचा. Helper T cell. बोलो कहाँ. Helper T cell. और helper T cell में जाने के बाद उन्हें बचाया कि मार दिया. नीड का क्वेश्चन है कि किन हेल्पर टी से. ऑल्दो एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया गया पर पूछा. CD4 प्लस ये मेन हेल्पर टी सेल है. इसके अलावा CD8 प्लस मेन इज CD4 प्लस. अभी क्वेश्चन आया है CD4 प्लस सेल को जाके अटैक किया और इन सेल के अटैक करने से क्या खत्म. भूल गए क्या खत्म. और क्या खत्म. बोलते खत्म करने में तुरंत टाइम लगेगा कि 8 से 10 साल. 8 से 10 साल. इसीलिए एड्स तुरंत हो जाता है कि 8 से 10 साल. तो आज अगर एचआईवी आपकी बॉडी में घुसे तो आप कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं. 8 से 10 साल.
ओके अब आपकी इम्यूनिटी गई, इम्यूनिटी गई तो इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस पावर गया, और रेजिस्टेंस पावर गया, देखो ये लिखा हुआ 5 से 10 साल तक का, रेजिस्टेंस पावर गया तो अब आपको चालू हुए इन्फेक्शन, क्या चालू हुए इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन चालू हुए तो आपको क्या 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 चीजें होने लगी, ये लिखा हुआ ड्यूरिंग द पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर डायरिया वेट लॉस डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल पर्सन स्टार्ट suffering from infection that could be otherwise overcome. वो infection जो वैसे ठीक हो जाते लेकिन अब ठीक नहीं होंगे, इनमें से infection के नाम note करेंगे, बहुत ज्यादा important है, MBBS तक साथ नहीं छोड़ेगा, TB होने लगेगी आपको, mycobacterium के infection होने लगेगा, यानी एक वो disease जो AIDS के साथ associated है, बोलो TB, okay? TB, इसके अलावा virus, fungus, even toxoplasma, याद रखना toxoplasma वैसे ठीक हो जाता है. So which one disease which is always associated with the AIDS? It is toxoplasma. बहुत ज़्यादा associated है. तो आपको ये बीमारियाँ क्यों होने लगी? क्योंकि इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी में बची कि नहीं बची? तो आपको कोई भी बीमारी आ रही है तो वो खत्म हो रही कि बनी रही, और इस तरीके से आपको बीमारियाँ होने लगी. बोलते हैं इस बीमारी का पता लगाने का तरीका क्या है? एलाइजा. बोलो क्या? एलाइजा. व्हाट इज एलाइजा? इसके अलावा पीसीआर. बोलो पीसीआर. और इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज नोन एज वेस्टर्न ब्लॉट. बोलो क्या? वेस्टर्न ब्लॉट. एक बार क्वेश्चन आया है कि बताओ व्हिच इज द बेस्ट वे टू डायग्नोज द एड्स, इट इज एलाइजा, पीसीआर और वेस्टर्न ब्लॉट. वेस्टर्न ब्लॉट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट. क्या बोला? कंफर्म. अगर आपको कंफर्म ही करना है कि एक्चुअली वायरस एचआईवी है कि नहीं है तो क्या कराओगे? वेस्टर्न ब्लॉट. वेस्टर्न ब्लॉट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट. ओके बच्चों, और इस तरीके से बोलते हैं एड्स को कैसे प्रिवेंट करें. तो ये तो रोज के लोग रोज बोलते एड्स से बचा नहीं जा सकता, सॉरी एड्स अगर हो गया तो आपको ट्रीट नहीं किया जा सकता, नो ट्रीटमेंट, बस एड्स से बचा जा सकता है. तो बोलते हैं एक बार एड्स हो जाए तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ऐसे मत मरिए कि आपको कोई इग्नोर करता रहे और आप मर जाएं. आप अपनी बॉडी को ठीक ठाक रखिए, 8 से 10 साल तक जिंदा रहेंगे. और बोलते हैं इनसे बचने के लिए क्या क्या होना चाहिए. WHO has started number of program to prevent the spreading of HIV infection, making blood safe, ensuring the use of only disposable needles and syringe in public, private hospital and clinic, free distribution of condom, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkups for the HIV susceptible population are some such step taken. ये सारे step taken करने हैं अगर आपको AIDS से बचना है. Okay, now बोलते हैं कि सर ये हिडन नहीं है, कैसे फैलता है वो तो तुम्हें बता दिया गया. एड्स खत्म, दूसरा बीमारी आई दैट इज नोन एज कैंसर. बोलते हैं आज तक मानव के इतिहास में इससे ज्यादा खतरनाक डिसीज कभी पैदा नहीं हुई. कौन? कैंसर. आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारी ने ध्यान खींचा है तो वो कौन है? व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल. या फिर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल. ये देखो लिखा हुआ है, ह्यूमन हिस्ट्री में इट हैज बीन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन. मेडिसिन और बायोलॉजी में इससे ज्यादा भयानक एरिया कोई नहीं है जिसमें आज तक इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए. तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाने वाला कौन सा बेटा? इससे ज्यादा रिसर्चेस और कहीं नहीं. ओके, अब कैंसर होता कैसे है उसकी कुछ कहानियां यहाँ लिखी, पर मैं इस स्पेस को यूज करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा. आइए, एज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी जितनी भी सेल्स है ये टिश्यू फॉर्म में और ऑर्गन फॉर्म में आपकी बॉडी में रह रहे हैं. मान लीजिए इसमें एक ये वाली सेल है, इस सेल का नाम ए सेल है, और ये सेल डिवाइड करना चाहती है, इसको सिग्नल मिला सेल डिवीजन का. तो जब ये सेल डिवीजन करती है
तो ये सेल डिवीजन को कंट्रोल में रखना है। तो जब ये एक सेल से दो सेल बनती है तो ये जगह तलाशती है, यानी एक सेल से दूसरी सेल यहीं पर रखनी है। तो जब ये दूसरी सेल पैदा करती है तो इसकी दूसरी सेल जो नई सेल है वो अगल बगल की सेल से टकराती है। अगल सेल बगल की सेल से टकराना इट इज नोन एज कॉन्टेक्ट। बोलो क्या बोलेंगे? और कॉन्टेक्ट आने पर बाकी सेल इसको और डिवीजन से रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। तो बताइए इसका डिवीजन कंट्रोल में रहेगा क्या? कंट्रोल। कंट्रोल क्यों? क्योंकि जितनी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ये सेल आएगी उन कॉन्ट्रैक्ट में आने की वजह से वो सेल इसका इनहिबिशन करेंगे। क्या करेंगे? इनहिबिशन। ये डिवाइड ना करें। एंड दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन। अब हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन रहेगा तो बताइए आपकी सेल की ग्रोथ कंट्रोल रहेगा कि अनकंट्रोल्ड? कंट्रोल। और मान लीजिए किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस। क्या लॉस हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब है आपकी ग्रोथ की जाने वाली सेल जब जिन सेल के बीच कंट्रोल में आ रही वो सेल्स उसे इनहिबिट, तो बताओ इसका ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगा कि अनकंट्रोल्ड? व्हेन कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन लॉस द सेल डिवीजन बिकम अनकंट्रोल्ड। और अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया मेरे बच्चे तो याद रखना वहां पर एक सेल बनेगी कि ग्रुप ऑफ सेल? और ग्रुप ऑफ सेल बनने की वजह से वहां पर एक ट्यूमर गांठ बन जाएगी और उस गांठ का नाम क्या होगा? ट्यूमर। क्योंकि उस जगह पर ज्यादा जगह थी नहीं और जगह थी नहीं तो वहां पर बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर क्या बनाएगी? गांठ। एंड दैट गांठ इज नोन एज ट्यूमर। अब इस ट्यूमर को ही हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे। या तो ये ट्यूमर होगा बेनाइन, बोलो बनियाइन नहीं बेनाइन, और या तो होगा ये बेनाइन। अगर ट्यूमर लोकलाइज रहे, कैसा रहे? लोकलाइज मतलब अपनी जगह पे रहे और स्प्रेड ना करे। फिर से बोलो स्प्रेड ना करे। मेटास्टेसिस ना हो तो क्या करें? बेनाइन। और अगर ट्यूमर अपनी जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाए? स्प्रेड। तो ऐसे ट्यूमर को हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इन्हीं का नाम क्या है? कैंसर। बोलो क्या नाम? कैंसर। सो विच ट्यूमर आर नोन एज कैंसर? मैलिग्नेंट ट्यूमर आर नोन एज कैंसर। सो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल जिन दूसरी कोशिकाओं के कांटेक्ट में होती है वो कांटेक्ट वाले रहने वाली कोशिकाएं इस डिवाइडिंग सेल को क्या करती है? कंट्रोल। क्यों करती है? कंट्रोल। अनकंट्रोल। अगर मान लीजिए कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाए तो डिवीजन कैसा होगा? अनकंट्रोल। और अगर अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो सेल एक बनेगी बहुत सारी, और बहुत सारी बनेगी तो वो इकट्ठा होगी, और जहां इकट्ठा होगी वहां क्या बनेगी? ट्यूमर। और ये ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? एक कौन बेनाइन और एक कौन मैलिग्नेंट। अगर स्प्रेड नहीं कर रहा बेनाइन, अगर स्प्रेड कर रहा बेनाइन, बोले स्प्रेड करना इट इज नोन एज मेटास्टेसिस। बोलो क्या नाम? मेटास्टेसिस। तो डिस्टेंस में स्प्रेडिंग होना इट इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस करना किसका फीचर है? मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर। आइए देखिए सब चीजें लिखी हुई है क्या, मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी लगे कि एनसीईआरटी पढ़ ली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस cancerous cell just continue to divide giving to mass of cell known as tumor. Tumor are two types, benign and malignant. Benign tumor normally remain confined to their original location. वो अपनी location में बने रहते हैं. Do not spread. Spread नहीं करते. And cause little change. बहुत कम change करते हैं आपकी body में. The malignant tumor on the other hand are mass of proliferating cell called as neoplastic tumor. Cell, these cell grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. As this cell actively divide and grow, they also stall the normal cell, completing the vital nutrient. Cells lost from the tumor reach distant site, दूसरी जगहों पर भी पहुंच जाती हैं, and this property called as metastasis, the most feared property of the malignant tumor. मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी क्या है? मेटास्टेसिस। पता चला कि आपकी हड्डी का ट्यूमर आपकी ब्रेन में पहुंचा, क्या ब्रेन में हड्डियां हैं? नहीं, हड्डी से पहुंचा ब्लड में और ब्लड से ट्रेवल करता हुआ ब्रेन। तो बताइए आपकी डिस्टेंस साइज पर जाकर लॉस करना इट इज नोन एज मेटास्टेसिस।
और इस तरीके से ये हो गई डिसीज। नाउ द कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या का कॉज है, कैंसर को कॉज करने वाले एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। इनमें से आयनाइजिंग रेडिएशन है लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है जैसे यूवी रेज, और इनसे डीएनए चेंज होता है, डीएनए में म्यूटेशन होता है, और डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से आपको क्या हो जाता है, कैंसर। फिर से सुनो, कैंसर कॉज करने वाले सब्सटेंसेस का नाम, इनमें से कुछ रेज हैं जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स रे और गामा रेज का नाम बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्स रे भी नहीं कराना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, कैंसर। इसके अलावा कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जैसे यूवी रेज, और ये डीएनए को डैमेज कर देती है, डीएनए डैमेज हो गया तो आपको कैसे चीज हो सकते हैं, कार्सिनोजेन। इसके अलावा हर नॉर्मल सेल में, सारे लोग यहाँ देखिए, हर नॉर्मल सेल के डीएनए में, ये नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के डीएनए में सी ऑन्कोजीन पाई जाती है, बोलो कौन सी, सी ऑन्कोजीन, साइटोप्लाज्मिक ऑन्कोजीन, और दीज ऑन्कोजीन आर नोन एज प्रोटो ऑन्कोजीन, बोलो क्या नाम, प्रोटो ऑन्कोजीन। इसका मतलब है ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव, दीज आर इनएक्टिव ऑन्कोजीन। इन इनएक्टिव ऑन्कोजीन को एक्टिव करने के लिए देयर आर सम वायरस, क्या बेटा, वायरस, और वायरस आपकी बॉडी में घुस करके इन प्रोटो ऑन्कोजीन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑन्कोजीन, और अगर वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गई तो क्या होने लगेगा, कैंसर। तो बताइए प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करने वाले वायरसेस का नाम रेट्रो वायरसेस, जिनमें से हेपेटाइटिस बी का वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, ये लीवर का कैंसर कर सकता है। इवन बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में जा करके आपकी प्रोटो ऑन्कोजीन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑन्कोजीन, एक्टिव, एक्टिव, और एक्टिव ऑन्कोजीन बेटा क्या कर देगी, कैंसर, एंड दिस लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे कैंसर को डिटेक्ट करोगे, कैंसर को डिटेक्ट करने के कुछ तरीके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वरना पढ़ते रहोगे। पहले तो आप लिखोगे बायोप्सी, जिस जगह का कैंसर हो वहां का मास निकाल के उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, आप मान लो लंग्स में इंफेक्शन कैंसर के चांस है तो लंग्स का ट्यूमर उठाकर उसकी बायोप्सी करते हैं, इसे बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, टिश्यू की पैथोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी। इसके अलावा आप एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, इसके अलावा एक्सरे करा सकते हैं, इसके अलावा पेट स्कैन करा सकते हैं, पॉजिट्रॉन एमिटिंग टोमोग्राफी, पेट स्कैन करा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कैंसर की डायग्नोसिस करा सकते हैं। इवन देयर आर सम ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और इन ब्लड टेस्ट में कार्सिनोजेनिक एंटीजन भी देख सकते हैं, कार्सिनोजेनिक एंटीजन, एंटीजन ब्लड टेस्ट से भी आप कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो कैंसर का पता लगाने के तरीके, पहला तरीका बायोप्सी, इसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, पेट स्कैन, इसके अलावा ब्लड टेस्ट, ब्लड में कुछ बेटा एंटीजन पाए जा सकते हैं जो कैंसर के समय बढ़ जाते हैं तो वो भी पता लगा सकते हैं। फिर से रुक गया ये, चल ऐसे चलाओ उसको, बेटा उस दिन रुका था तो वो उस क्लास मेरे पास आई नहीं, चल रहा चल रहा वो देखो, अरे वो दूसरा डाला था मैंने, बहुत देर चल रहा नहीं, ओके। तो कैंसर के डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस होगी, डायग्नोसिस और डिटेक्शन के बाद कैंसर के अपने ट्रीटमेंट हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की मैं लिस्ट बना दे रहा हूं ताकि फिर से ये तुम पढ़ के घबराओ नहीं। एक ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, यानी ट्यूमर को काट के निकाल के बाहर कर दो।
सर्जरी में भी होती है रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी में क्या होते हैं, आप ट्यूमर के साथ साथ अगल बगल के लिम्फोइड ऑर्गन को भी, टॉन्सिल को भी निकाल के बाहर कर देते हो, सर्जरी रेडिकल सर्जरी। इसके अलावा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी कराते हैं आप। कीमोथेरेपी में आप मेडिसिन डालते हैं, मेडिसिन जैसे कि सिसप्लैटिन, विनक्रिस्टिन एटसेट्रा, ये दवाइयां चढ़ाते हैं आप। कीमोथेरेपी के अलावा आप रेडियोथेरेपी करवा सकते हैं, इन्हें सिकाई करवा सकते हैं कीमोथेरेपी। कुछ कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तीनों कराते हैं। और अगर वायरल ऑन्कोजीन की वजह से, वी ऑन्कोजीन की वजह से आपको कैंसर हुआ है तो आप इम्यूनोथेरेपी भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? और इस इम्यूनोथेरेपी में हम इंटरफेरॉन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वायरस इंफेक्शन को कम करते हैं। एंड दीज आर नोन एज अल्फा इंटरफेरॉन, एंड दिस अल्फा इंटरफेरॉन विल प्रोड्यूस इम्यूनोथेरेपी। तो चार मुख्य तरीके हैं, बोलो कौन कौन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। और इस तरीके से आपके ट्रीटमेंट पूरे हो जाएंगे। आइए, तो आप डिसीज वाला पोर्शन आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आता है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, यानी सब्सटेंस अब्यूज, दवाइयों का अब्यूज, ये कैसे हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका भी बहुत हवा बना के रखते हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो आइए, हम लोगों के पास केवल चार ग्रुप है, एक है ओपियोइड, दूसरा है कैनाबिनोइड्स, कुछ सिंथेटिक है और टोबैको है और अल्कोहल है। तो चार चीजें और चारों चीजों को पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, आज मुझे सुबह से मेरे से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सर व्हाट इज मेडिसिन, व्हाट इज ड्रग, सर इन दोनों में अंतर बताइए। तो मैं सुबह से लोगों को इसका जवाब देते घूम रहा हूँ कि व्हाट इज मेडिसिन एंड व्हाट इज ड्रग, बोथ आर केमिकल, दोनों ही केमिकल है। जब कभी ये केमिकल आपकी बॉडी में डाले जाएंगे, कहाँ डालेंगे, बॉडी, तो बॉडी में ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। कौन से रिस्पॉन्स, फिर से बोलो, और ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर आपको ट्रीट कर रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, थेरेपी, तो ये कहलाएंगे मेडिसिन। क्या कहलाएंगे, मेडिसिन। और अगर ये ट्रीट नहीं कर रहे तो क्या कहलाएंगे, ड्रग। यानी सेम चीज मेडिसिन भी हो सकती है और ड्रग। अल्कोहल मेडिसिन है जब वो होम्योपैथी की दवाइयों में आपको खिलाया जाता है, और अल्कोहल ड्रग अब्यूज भी है जब वो आप उसे पी रहे हैं। तो याद रखना, मेडिसिन और ड्रग इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने डोज कितनी ली है, क्या डोज, और आपके इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है। द सेम पेन किलर, मॉर्फिन इज अ पेन किलर, आप कम डोज में लेते हो तो पेन किलर है, और वही मॉर्फिन आप ज्यादा ले लेते हो तो क्या है, ड्रग है। तो आपके डोज क्या है, इंटेंशन क्या है, इस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि ये मेडिसिन की तरह बिहेव करेगा कि ड्रग की तरह बिहेव करेगा। खैर, ड्रग के अब्यूज होते हैं, अब्यूज का मतलब गलत यूज होते हैं, और इस तरीके से कुछ ड्रग्स आपकी बुक में दी गई है। नंबर वन इज ओपियोइड्स, नंबर टू इज कैनाबिनोइड्स, नंबर थ्री इज कोका अल्कलॉइड, एंड देयर आर सम मोर। तो इस तरीके से बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एक एक करके आपकी बुक में दी गई हैं, इन्हें लर्न करना। चलिए, सबसे पहले आता है ओपियोइड्स। ये रहा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स एक पौधे से निकाले गए केमिकल है जिसका नाम है ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी, एनसीईआरटी का एक फायदा ये भी है कि वो पौधा आपके सामने दिख रहा है। ये रहा वो ओपियम का पौधा जिसे हम लोग पॉपी बोलते हैं। ओपियम पॉपी से निकालते हैं। तो ओपियोइड आर द ड्रग विच बाइंड टू इस ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सीएनएस एंड जीआईडी। तो याद रखना, ओपियोइड आपकी दो जगह पर अटैक करते हैं, एक कौन, सीएनएस, और एक कौन, जीआईडी। यानी इनके रिसेप्टर दो जगह पर होते हैं, सीएनएस दूसरा जीआईडी। इनमें से कुछ केमिकल है, इनमें से एक केमिकल है बेटा मॉर्फिन। बोलो क्या नाम है, मॉर्फीन। एक नेचुरल केमिकल है, नेचुरल केमिकल है जो ओपियोइड है, नेचुरल केमिकल। अब इस मॉर्फीन में डाई एसेटाइल मिला दो, क्या मिला दो, डाई, तो अब इसका नाम हो जाएगा डाई एसेटाइल मॉर्फीन। अब जब इसका नाम डाई एसेटाइल मॉर्फीन हो जाएगा तो इसका नाम भी बदल जाएगा,
अब इस डाइसेट्रल मॉर्फीन को हम लोग बोलेंगे हेरोइन, बोलो क्या बोलेंगे, या फिर इसे आल्सो नोन एज स्मैक। तो स्मैक और हेरोइन इज अ नेचुरल और सिंथेटिक जो किससे बनाया गया, मॉर्फीन से। तो ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फीन से बनाए जाते हैं। अच्छा, ये कहां से निकाले जाते हैं, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स, लैटेक्स स्टेम से निकलने वाला दूध जैसा मटेरियल है, या फूल से निकलने वाला दूध जैसा मटेरियल है, दैट इज नोन एज लैटेक्स। और वो लैटेक्स किस पौधे से निकाला जाता है, तो पहले तो मैं बताऊं, मैंने दो ओपियोइड आपको नाम बताया, एक और मॉर्फिन, और एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन इज आगे सुनो, इसके फंक्शन क्या, ये क्या करेगा, पॉपी प्लांट पेपरवर सेमिनिफेरम से निकालेंगे, एंड जनरली टेकिंग बाय स्नॉटिंग, बताओ इसमें कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग मतलब नाक से खींचना, that is known as snorting, and किससे injection, heroin is a depressant, कैसा बेटा, depressant, and it slows the body function, तो बताओ, इस ज़्यादा heroin लेने से आपको बहुत ज़्यादा active हो जाएगी कि नींद आएगी, नींद आएगी, hallucination होंगे और आपको क्या आएगी, नींद, क्योंकि ये आपकी body की activity को घटाएगा कि बढ़ाएगा, घटाएगा, याद रखना, it is a depressant। चलिए, आपने ओपियोइड से दो चीजें पढ़ी, जल्दी जल्दी बताइए वरना रट्टा मारना पड़ जाएगा, एक कौन मॉर्फिन और एक कौन डाइसेटाइल मॉर्फिन, पौधे का नाम ओपियम पॉपी पेपरवर सोमनिफेरम, कहां से निकाला, पत्तियों से, लैटेक्स से, एक है नेचुरल कौन मॉर्फिन और एक है बेटा सिंथेटिक डाइसेटाइल मॉर्फिन, नाम है क्या, पाउडर फॉर्म में आएगा, कहां से लेंगे, नाक से, और किससे, इंजेक्शन, और बताइए ये डिप्रेसेंट है कि स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट। आगे चलो, कैनाबिनॉइड, देखो हमारे गांव में इसे भांग का पौधा बोलते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कैनाबिनॉइड भांग का पौधा, कैनाबिस सैटाइवस, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है, जो गांव के लोग हैं वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि भांग का पौधा कैसा, और इस भांग के पौधे से अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड इस कैनबिस सैटाइवस से तुम भांग बना सकते हो, इसके अंदर चरस भी बना सकते हो, क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, गांजा, गंजा नहीं, और इसके अलावा मारीजुआना, तो बहुत सारी चीजें इससे बना सकते हैं कैनबिस सैटाइवस से, इस पौधे से, तो इसके अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें बनती है, पत्तियों से बनती है हाँ, इनफ्लोरेसेंस से, और उनसे लैटेक्स से बनती है, चरस और गांजा, और हमारी जुआना भी कुछ वैसे ही बनता होगा, आई डोंट नो, जो लोग बनाते हैं उनसे पूछो। तो कैनाबिनॉइड अ ग्रुप ऑफ केमिकल व्हिच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन, ब्रेन मतलब सीएनएस, नेचुरल कैनाबिनॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सैटाइवा, द फ्लावर टॉप, कहां-कहां से देखो ये बन सकता है, क्या फ्लावर टॉप भी इसका नसीला है, लीव्स भी नसीली है, नीम लीव्स जब नसीली है तो इसे बोलते हैं भांग, है ना, हां होली में खाई है, इससे रेजिन भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेजिन, एंड अलग अलग प्रिपरेशन बनाते हैं, बताओ प्रिपरेशन में क्या क्या बनाते हैं, मारिजुआना, हसीस, शरस, गंजा, गांजा, हां जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, बताओ भांग को नाक से लेते हो कि इंजेक्शन, इंजेक्शन, these are known for their effect in cardiovascular system and highly hallucinogenic, बहुत खतरनाक hallucinogenic है, जिन्होंने भांग खाई वो बताते हैं चार पाई में बैठकर हवाई जहाज की मदद मिलती है, एकदम मजे आते हैं, आप भांग कभी ना खाएं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका दिल बहुत धड़केगा यानी हार्ट रेट बढ़ाएगा। अच्छा बताओ ओपियोइड किसमें काम करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आगे बढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये वो पौधा है भांग दिख रहा होगा कुछ लोगों ने देखा होगा ऐसा, अच्छा ये इसका केमिकल नेचर है, ये भी आजकल लोग पूछ रहे हैं, ज्यादातर समय देखना तीन हेक्सागन है, एक दो तीन, इन तीन हेक्सागन की ब्रांचेस आपस में जोड़ी गई है, तो यहाँ ब्रांचेस ओ से जोड़ी गई है, OH, यहाँ OH, और यहाँ CH3N लगा करके, तो कभी याद रखना कि मॉर्फिन कैसा है, तो आपको याद रखना तीन हेक्सागन है, इसके बाद अगर कभी इस तरीके का देखा जाए तो एक हेक्सागन है, बाकी एक लॉन्ग चेन इधर है और एक लॉन्ग चेन इधर है,
ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन से लॉन्च है। कई बार क्वेश्चन डायग्राम से भी बनता है कि बताओ ये कौन सा केमिकल है। अब तुम्हारे सर ने सब कुछ पढ़ाया और ये केमिकल का डायग्राम ही नहीं सिखाया तो मामला बिगड़ जाएगा। अब कैनाबिनॉइड में एक हेक्सागन है और ओपियोइड में तीन। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आता है कोकेन। ये कोका एल्कलॉइड से निकालते हैं, कोका एल्कलॉइड बोलते हैं, याद रखना। एरिथ्रोजाइलम कोका नाम का प्लांट है, इससे कोकेन निकाला जाता है, ठीक है। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को डोपामीन को के मेटाबॉलिज्म में ब्लॉकेज करता है या स्टिमुलेट करता है। कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक, यूजुअली स्नॉटेड, नाक से लिया जाता है। पोटेंट स्टिमुलेटिंग, अभी तक तीनों को मिले, तीनों बता दो। पहला वाला कैसा था? डिप्रेशन। दूसरा वाला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये वाला स्टिमुलेट। कैसा है? स्टिमुलेटिंग। हां, एक्सेसिव डोसेस ऑफ कोकेन कॉज हैलुसिनेशन। कहते हैं कोकेन अगर किसी को बहुत ज्यादा खिला दी जाए तो उसको ऐसे हैलुसिनेशन होने लगते हैं कि वो अपने कपड़े तक फाड़ने लगता है, तो हैलुसिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ और हैलुसिनिक ड्रग है, एट्रोपा बेलेडोना, इससे एट्रोपिन नाम का केमिकल निकालते हैं, ये भी हैलुसिनेशन करती है। इसके अलावा धतूरा इनोक्सिया, धतूरा कनक कनक पे सब, ये वही पागलपन करने वाला धतूरा है। तो धतूरा भी हेलुसिनेशन करता है, एट्रोपा भी हेलुसिनेशन करता है, कोकेन भी हेलुसिनेशन करता है। इसके अलावा देयर आर सम सिंथेटिक ड्रग, बोलो कैसे? ये सब नेचुरल ड्रग थे, इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग नाम लिखो। बारबिटुरेट्स, एम्फेटामीन्स, बेंजोडाइजेपिन्स और अदर सिमिलर ड्रग दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट कोप विद सम डिसीज। तो आप काउंट करो मैंने कितने कितने ड्रग बताए, बोलो। ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोकेन, इसके अलावा बारबिटुरेट, एम्फेटामीन, बेंजोडाइजेपिन, ये सारे ड्रग्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो याद रखना मेंटल इलनेस में काम करती हैं ड्रग्स, और इंसोमिया और डिप्रेशन को भी खत्म करती हैं। तो किसी को डिप्रेशन हो गया हो कि सर अब तो आपका हमारा 12 सितंबर को पेपर है, तो इन दवाओं की मदद ले सकते हैं। इनमें से एक दवा थी कौन सी? मॉर्फिन, जो कैसी है? सिडेटिव और कैसी? पेन किलर। बताओ ये क्या है? ओपियोइड। क्या थी ये? ओपियोइड। और इसका डाइस्टाइल मॉर्फिन क्या था? स्टेनाइल। तो याद रखना ये मॉर्फिन जो है ये पेन किलर की तरह यूज की जाती थी, आजकल इसका मिसयूज हो रहा है और लोग अलग अलग तरीके से मिसयूज कर। तो खैर छोड़ दो, अगर आपको ड्रग याद हो गए होंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, इनमें से एक सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल ड्रग आपके सामने आने वाली है, एंड दिस ड्रग इज नोन एज टोबैको। तमाकू हर तरीके से ले सकते हो, जला के, बुझा के, रगड़ के, चबा के, जैसे मर्जी चाहो वैसे टोबैको ले सकते हो। और बोलते हैं टोबैको यूज का इतिहास कितना साल पुराना है, 400 साल। सब लोग को मालूम है, उनके दादा दादी दादी नहीं दादा नाना काका ये लोग ये पीते रहे हैं सिगरेट वगैरह। तो याद रखना इसका टोबैको में केमिकल कंपाउंड होता है, नाम बताओ? निकोटीन। और ये निकोटीन स्टिमुलेट करता है किस ग्लैंड को? एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकालता है? एड्रेनालिन। और आपको एड्रेनालिन के बारे में याद होगा, इट इज ट्रिपल एफ, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, यानी आपकी बॉडी में तीन कंडीशन पैदा करता है, या तो आप किसी से लड़ सकते हो, या तो डर सकते हो, या तो भाग सकते हो, इस तरीके के आपको काम देता है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर रेज कर देता है, हार्ट रेट रेज कर देता है। स्मोकिंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर, कहां कहां का कैंसर? लंग्स का, यूरिनरी ब्लैडर का और थ्रोट का। ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एम्फाइजेमा हो सकता है, या फिर सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है। व्हाट इज सीओपीडी? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ना तुम्हारा मन कर रहा पढ़ने का, ना तुम समझ पा रहे हो। सीओपीडी में दो बीमारियां आती है, एक कौन? अस्थमा, और एक कौन? ब्रोंकाइटिस। याद रखना सबसे खतरनाक ड्रग और सबसे ज्यादा इजिली अवेलेबल ड्रग है, ये आपकी बॉडी में क्या बढ़ा सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत खतरनाक डिसीज है। इंडिया में होने वाले कैंसर में से दो कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेडीज में इट इज नोन एज यूटराइन कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर,
और ह्यूमन मेल में ओरल कैंसर, यानी मेल को सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा ओरल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस निकोटीन, और महिलाओं को कौन सा हो रहा वेजाइनल कैंसर क्योंकि हाइजाइन सॉरी सर्विक्स कैंसर, यूट्रस और सर्विक्स का कैंसर हो रहा क्योंकि हाइजीन में कुछ गड़बड़ी आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपकी डिसीज है। नाउ कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन, आखिरी के 15-20 मिनट मन लगाओ तो 15-20 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म हो सकता है। एडोल सेल्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, एडोल सेल्स क्या होता है, ये वो समझ जगह है, वो समस्या है जब आप रिबेलियन होते हैं, विद्रोही होते हैं। हम सब इस अवस्था से गुजरे हैं और हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, इसलिए हम रिबेलियन हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, अपनी माँ बाप की बात मानना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पीरियड है। क्यों ऐसा पीरियड है? क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहा है और ये हार्मोनल चेंज आप बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि आपके लिए नया चेंज है, ऐसे नए चेंजेस हैं जो आपके पहले कभी हुए नहीं, और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी कोप नहीं कर पाती। एज है 12 से 18 साल, और 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अपने तरीके के बिलीफ पैदा कर रहे हैं, यही वो समय है जो आप बिलीफ पैदा कर रहे हैं, यही वो समय है जब आप अपना एटीट्यूड पैदा कर रहे हैं, ये वो समय है जब आप अपने बिलीफ और एटीट्यूड पैदा कर रहे हैं, आपकी कुछ विश्वास पैदा हो रहे, जिंदगी भर चलने वाले, आपका कुछ एटीट्यूड पैदा हो रहा है वो भी जिंदगी भर चलने वाला है, और ये कब पैदा कर रहे हैं आप 12 से 18 साल, और इसीलिए आप समाज को अपने तरीके से देखने लगते हो। माँ बाप जो बात समझाते हैं आपको समझ में नहीं आती, आपको लगता है अरे दुनिया हम भी देख रहे हैं, हम भी बड़े हैं, और यही वो समय है जो सबसे ज्यादा गड़बड़ है क्योंकि एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसी फेज में आपके बिगड़ने के भी सबसे ज्यादा चांसेस हैं और बनने के भी सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी ने आपको क्यों पढ़ाया होगा? वो पढ़ाना इसलिए चाहते हैं कि यही वो एज है जब आप क्या शुरू करते हो पहली बार ड्रग एब्यूज, आप चुरा करके पहली बार सिगरेट तभी पीते हो, क्यों? बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, अल्कोहल पीते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, यही वो समय है जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हो और इसी समय आपके आपके ड्रग एब्यूज के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसी समय आपके एचआईवी इंफेक्शन के साथ चांसेस सबसे ज्यादा है, इसी समय वो समय है जब बेटा आपको तरह तरह बीमारियां सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए उन्होंने एडोलेसेंस के बारे में होता है, इट इज अ पीरियड एज वेल एज प्रोसेस, ये पीरियड भी है और प्रोसेस भी है जिसमें आप अपने बिलीफ और एटीट्यूड पैदा कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब इस प्रोसेस में उन्होंने कुछ बातें लिखी है, मुझे लिख करके हंसी आती है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग सुनो। कहते हैं ये वो समय है जब आप एडवेंचर करना चाहते हो, एक्साइटमेंट से गुजरना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तीन चीजें एडवेंचर एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और इसी वजह से आप मोटिवेट होते हो टुवर्ड्स अल्कोहल, इसी वजह से लोग कहते हैं एक बार भाई पी के देख तो बड़ा मजा आएगा, गड़बड़ होगा, और इसी दौरान आपको नेचुरल क्यूरियोसिटीज होती है अलग अलग चीजों की, और उन क्यूरियोसिटीज की वजह से आप ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज के चक्कर में फंस जाते। कहते हैं पहली बार जब ड्रग एब्यूज होता है 90% केसेस में वो स्कूलों में होता है, फर्स्ट ड्रग अल्कोहल अब्यूज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, पर बाद में जब बेटा यही चीज आपके पल्ले पड़ जाती है और आप इनके बिना नहीं रह पाते, एडिक्ट होने लगते हैं, तो आप प्रॉब्लम होने लगती है, और जिन स्कूलों में ये होता है वहां के बच्चों के एकेडमिक्स एग्जाम बिगड़ने लगते हैं और ऐसे बच्चे बिगड़ने लगते हैं। आपको मालूम है पंजाब हमारे देश का ऐसा राज्य बन गया कि वहां पर 17 से 18 साल के बच्चों में ड्रग अब्यूज के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि हमें एक पिक्चर बनानी पड़ी उड़ता पंजाब, है ना दैट, कि आपको मालूम है। इवन कहते हैं कि यंगस्टर इस समय पर अल्कोहल लेना और ड्रग लेना को क्या समझते हैं, कूल, अरे इट्स कूल यार, चलो एक एक मार लेते हैं, अब ये चक्कर की वजह से वो गड़बड़ कर लेते हैं। तो याद रखना ये सब चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही ताकि आप ऐसा ना करें, और ये आप ही के लिए है, आप ही हो 12 से 18 वाले लोग, हम लोगों का तो जो होना था हो गया ना। व्हाट इज एडिक्शन एंड व्हाट इज डिपेंडेंस, ये दो बातें बच्चों को मैं जब भी पढ़ाता हूँ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस दोनों समझ नहीं पाते, तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा कहाँ लिखा है। व्हाट इज एडिक्शन, एडिक्शन क्या है,
एंड और डिपेंडेंस क्या था पहले तो एडिक्शन एडिक्शन सुनिए एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट ये ड्रग से अटैचमेंट नहीं है कि अल्कोहल के बिना काम नहीं चलेगा नहीं ऐसा नहीं एडिक्शन का मतलब है आपने अल्कोहल पिया और आपको यूफोरिया हुआ आपको बड़ा काम महसूस हुआ आप बड़े शांत हुए आपको बड़ा मजा आया तो आपका उस मजे के साथ अटैचमेंट इज नोन एज अल्कोहल के साथ नहीं मजे के साथ आप वो मजा बार बार लेना चाहोगे और बार बार लेना चाहोगे तो आप एडिक्टेड होते जाओगे वही मजा पाने के लिए तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ सर्टेन इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय ड्रग एंड दैट अटैचमेंट इज नोन एज एडिक्शन अब होता क्या एडिक्शन की एक खास बात क्या है एडिक्शन डिपेंड अपॉन डोज पहली डोज में जो आपको एडिक्शन अटैचमेंट हो रहा था अब बेटा वही दो डोज में होने लगा तो बताइए जब दो डोज में होने लगा तो वही इफेक्ट पाने के लिए आप डोज को सिंगल करें कि डबल अगर दो डोज में होता रहा कुछ दिन बाद आप दो डोज में भी वो आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा तो आपने डोज घटाई की बढ़ाई तब आपने क्या कर दी चार डोज कर दी उसी इफेक्ट के चक्कर में तो देखिए आप उस इफेक्ट को पाने के लिए ड्रग का डोज घटा रहे कि बढ़ा रहे तो जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस था किस पर इफेक्ट पर अब किस पे होने लगा ड्रग पर किस पर और ड्रग पर डिपेंड होना इट इज नोन एज डिपेंडेंस और अब अगर आपसे ड्रग हटा ली जाए तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे हाथ पैर कांपने लगेंगे एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगेगा जब आपके हाथ पैर कांपने लगे दवा हटाने पर या वो ड्रग हटाने पर या अल्कोहल हटाने पर तो आप क्या हो गए डिपेंड एंड दिस इज नोन एज डिपेंडेंस और डिपेंडेंस तभी होगी जब आपको आएंगे विथड्रॉल सिम्टम बोलो क्या तो बताइए पहले पहले बंदे को डिपेंडेंस होती है कि एडिक्शन और जब बहुत दिनों तक पीता रहता है तो अब बिना पिए रह भी नहीं सकता जैसे शुरुआत में तुम बिना पिए 10-12 दिन 100 दिन एक दिन पूरा साल जिंदगी गुजार सकते हैं एक दो बार पिया मजा आया छोड़ो अब नहीं लेना लेकिन एक समय ऐसा है कि 10 साल से पी रहे हो और आप दारू हटा दी गई आप ड्रग हटा दी गई तो आपके हाथ पैर कांपने लगे इट इज नोन एज विथड्रॉल सिम्टम्स और ये कब कब आएंगे डिपेंडेंस आइए ढूंढते हैं कहां पर लिखते हैं लिखा है इन्होंने जहां पर लिखा होगा ढूंढते हैं यहां पर लिखते ओके एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेंपरेरी फीलिंग ऑफ वेलबीइंग एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड अल्कोहल एंड डिपेंडेंस कहाँ लिखा हुआ है देखेंगे नीचे लिखा है ओके दस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग यूज और भी नीचे लिखा होगा इस तरीके से उन्होंने एडिक्शन लिखा है और डिपेंडेंस कहीं यहाँ लिखा ये लिखा हुआ डिपेंडेंस डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिम्टम जब भी ड्रग हटाओगे तो वो कौन से सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तो इस तरीके से एडिक्शन एंड डिपेंडेंस हो गया इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूज क्या क्या इफेक्ट आपकी बॉडी में हो सकते हैं आप प्लीज इसे लर्न कर लीजिएगा मैं केवल अंडरलाइन करा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी अंडरलाइन करा दे रहा हूँ आपका रेकलेस बिहेवियर आ सकता है लड़ाई झगड़े वाला वैंडलिज्म आवारागर्दी कर सकते हैं वायलेंस बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है एक्सेसिव डोज लीड टू कोमा एंड डेथ अगर बहुत ज्यादा पी लिया तो कोमा भी हो सकता है डेथ भी हो सकती है ओके मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन क्या है कि कोई अल्कोहल ले रहा है इट इज इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक अगर बच्चा एकेडमिक खराब करने लगे तो समझ लो अल्कोहल के चक्कर में परफॉर्मेंस अगर गड़बड़ होने लगी एकेडमिक में तो गड़बड़ है अनएक्सप्लेन अब्सेंस फ्रॉम स्कूल स्कूल गायब करने लगे लैक इंटरेस्ट इन हाइजीन ये सबसे बड़ा कारण है लड़कों में हॉस्टल में लड़के बिना गंदगी के रहने लगे पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दे समझ जाओ अल्कोहल में या फिर उसमें ओके इसके अलावा आइसोलेशन अकेले रहने लगे बात करना बंद कर दे दूसरों से डिप्रेशन रहने लगे थके रहने लगे एग्रेसिव हो जाए रिबेलियस हो जाए ये सब वार्निंग साइन है अपनी हॉबीज लॉस कर ले मान लो फुटबॉल खेलना चला था आप वो भी नहीं खेल रहे चुपचाप बैठे हुए तो मान लीजिए उनको ड्रग अब्यूज के वार्निंग साइन है इसके बाद वो बोलते हैं कि इन्हें सुधारा इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं याद रखना अगर ड्रग अब्यूज करने लगा तो इंट्रावेनस ड्रग लेने लगेगा एड्स होने के चांसेस है
इस तरीके से कुछ बातें दी गई हैं, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। अल्कोहल का सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है बेटा? सिरोसिस। आपके लीवर में फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो जाती है, तो आप इसे छोड़ दिएगा। नाउ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ड्रग से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए पांच तरीके बताए गए, वो पांचों तरीके लिख लेंगे। पहले अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ये गार्जियन को समझाया गया। ये पॉइंट गार्जियन के लिए, बच्चों के लिए नहीं। हर गार्जियन चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। अब बच्चे में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा कुछ और चीजें बनने का मन है, पर हम उसे जबरदस्ती प्रेशर दे रहे हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्योंकि शर्मा जी का बेटा या बेटी डॉक्टर बन गई है, अब आपका जीना दूसरा है। तो ऐसे प्रेशर में बच्चा क्या करता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ड्रग अब्यूज करता है। तो बोलते हैं अवॉइड अनड्यू प्रेशर। एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन चॉइस एंड पर्सनालिटी विच शुड बी रेस्पेक्टेड। ऐसा नहीं कि आप उससे वही कराओ जो आप चाहते हो। तो अनड्यू प्रेशर को बचाइए, बच्चे पे मत डालिए, पहला। बाकी चार ये दिए गए। दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर बच्चा किसी तरीके से चक्कर में पड़ गया है तो उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसे स्ट्रेस से लड़ना सिखाइए, डिसअपॉइंट से लड़ना सिखाइए, उसे स्पोर्ट्स में लगाइए, रीडिंग में लगाइए, म्यूजिक में लगाइए, योगा कराइए, और उसे उस बीमारी से या फिर ड्रग अब्यूज से बचाइए। सीकिंग हेल्प ऑन पेरेंट एंड पीयर, दोस्तों से मदद लीजिए और पेरेंट से मदद लीजिए उसे उस बीमारी से या उस ड्रग अब्यूज से छुड़ाने के लिए। चौथा लुकिंग फॉर डेंजर साइन, हमेशा डेंजर साइन की तरफ ध्यान दीजिए। डेंजर साइन क्या क्या थे? क्या उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्या उसने पर्सनल हाइजीन गड़बड़ कर ली, क्या उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गई, वो डेंजर साइन को लुक करिए। अगर ऐसा कुछ देख रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर पेरेंट नहीं ठीक कर पा रहे तो आप डॉक्टर के पास ले जाइए, भले ही वो कितना गुस्सा हो, उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। दिस वाज द चैप्टर। टेक केयर।